यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज द टीडीएस एंड टीसीएस वाला टॉपिक है, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वेटेज रखने वाला है, बिकॉज 10% वेटेज रहता है इस टॉपिक का, मीन 10 मार्क है वो इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं अगर आप उसको ढंग से रिवाइज करते हो तो। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं टीडीएस क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। टीडीएस कब काटना पड़ता है पता है? टीडीएस जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो या क्रेडिट करते हो तब आपको टीडीएस काटना रहता है। लेकिन एक चीज समझना, टीडीएस आपको तभी काटना है जब वो इनकम आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है, मींस दैट सम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, तभी आपको टीडीएस काटना, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि टीडीएस कौन सी इवेंट पे काटना है, पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिट के टाइम पे? तो मैं बता दूं टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग, व्हिच एवर इज अर्लियर। जब आपने पेमेंट किया और क्रेडिट किया, व्हिच एवर इज अर्लियर होगा, तब आपको टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, टोटल 5 पेमेंट ऐसे हैं जिसमें टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, मींस क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे आपको टीडीएस नहीं काटना, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है। एक तो तुम्हारा सैलरी का पेमेंट, दूसरा ईपीएफ का पेमेंट करके, ठीक है, तीसरा विनिंग का पेमेंट, चौथा जो भी तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी समय, और पांचवा कंपलसरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन। ये 5 पेमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, वो ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट काटना है, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं काटना। सर कौन कौन से ये 5 पेमेंट? सबसे पहला मैंने बोला सैलरी का पेमेंट, दूसरा का पेमेंट, तीसरा ईपीएफ का पेमेंट, चौथा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, और पांचवा कंपलसरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन है। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, टीडीएस की जितनी भी रेट रहती है, क्वेश्चन ही आता है ये रेट फ्लैट रेट है या उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा। मैं बता दूं जितनी भी टीडीएस की रेट है वो सब फ्लैट रेट है, लेकिन उसमें 2 केसेस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट करते हो, तो इनकेस ऑफ द सैलरी यू हैव टू कंसिडर द हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को करते हो, तो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को करते हो तो भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सरचार्ज है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है कि सर टीडीएस है वो सब पर्सनल पेमेंट अगर आप करते हो या फिर बिजनेस के लिए पेमेंट करते हो, बिजनेस के लिए पेमेंट के लिए ही काटना है या पर्सनल लेवल के पेमेंट के लिए भी काटना? आंसर इज ऑल काइंड ऑफ पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे मान लो, आई कैन टेक एग्जांपल कि आपने अपने घर पे कोई सर्वेंट रखा जिसका सैलरी है वो 10 लाख रुपया है, सर्वेंट का सैलरी 10 लाख रुपया, क्या उसको जब सैलरी पे करोगे तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन होते हैं, 194C और 194J में। 194C और 194J में अगर इंडिविजुअल HUF में पर्सनल पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफेशनल सर्विस ली है तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी इस साल से एक नई सेक्शन आई है, दैट इज द 194M करके, उसकी वजह से कहीं कहीं पे काटना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे वहां पे। तो अब एक और चीज समझना, जब भी आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हो या क्रेडिट करते हो तो उसका टीडीएस काटना है। टीडीएस की रेट क्या रहती है? जो रेट उस सेक्शन में दे रखी है। लेकिन बेटा जो पेई होता है ना, जो रिसीवर होता है ना, उसको अपना पेन नंबर देना पड़ता है पेयर को। जो पेई है वो अपना पेन नंबर देगा पेयर को, अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो पेयर जो टीडीएस काटेगा, 206AA ये बोलती है कि जो भी टीडीएस की रेट रहेगी और 20% विच एवर इज हायर से काटेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के प्रोवाइस से मुझे प्रोफेशनल फीस मिलती है, टीडीएस का रेट 10% होना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि मान लो प्रोवाइस को मैंने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो मेरा टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 20%, बिकॉज 10% और 20% व्हिचएवर इज हायर कम्स टू 20%, तो 20% की रेट से टीडीएस से वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने बोला कि पेई को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा पेयर को, तो आपका टीडीएस अगर नहीं दिया तो उस केस में 20% और रेट व्हिच एवर इज हायर से कट जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को 4 तरीके का पेमेंट कर रहे हो। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को या तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर आप 4 तरह का पेमेंट कर रहे हो, एक तो किसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, दूसरा रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, तीसरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, और चौथा तुम्हारा कोई भी कैपिटल असेट नॉन रेजिडेंट ने ट्रांसफर किया और उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट पैन कार्ड नहीं देगा तो भी चलेगा। मीन्स नॉन रेजिडेंट ने पैन कार्ड नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन उसमें एक चीज समझना, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जैसे उसका नाम, ईमेल आईडी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो जिस कंट्री में रह रहा है वहां पे उसका एड्रेस क्या है, जिस कंट्री का वो है वहाँ का अगर पैन नंबर है तो वो वहाँ का पैन नंबर देगा, नहीं तो वहाँ का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा वो डिटेल आपको देगा, तो उस केस में उस पर्सन पे 206AA नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आगे वाले को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, अगर आगे वाले ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो 20% रेट और जो प्रिस्क्राइब रेट विच एवर इज हायर की रेट से टीडीएस कट जाएगा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को आप 4 तरीके का पेमेंट करते हो, क्या, एक तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS, और अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर किया उसका पेमेंट कर रहे हो और आगे वाले ने पैन नंबर नहीं दिया तो चलेगा, 206AA नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना,
कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आपको कुछ पेमेंट कर देता है और उसमें टीडीएस काटना चाहिए था लेकिन उसने टीडीएस नहीं काटा, तो क्या आपको टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर मान लो टीडीएस नहीं काटा तो आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आगे वाले ने टीडीएस नहीं काटा तो मैं टैक्स ही नहीं भरूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब एक चीज समझना, एक 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 सेक्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे यहां पे। और सबसे पहली सेक्शन जो है दैट इज द सेक्शन 192 ये बोलती है टीडीएस ऑन सैलरी। अब एक बात समझना, सैलरी के केस में पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन, पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन पे एनी पर्सन का मतलब होता है अगर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय है तो भी टीडीएस यहीं पे कटेगा। अगर रेजिडेंट एम्प्लॉय है नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय टीडीएस इसी सेक्शन में कटेगा। टीडीएस की रेट क्या रहेगी? स्लैब रेट। स्लैब रेट से टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय को मिलने वाली जो सैलरी है वो टोटल करेगा करके, ठीक है, और उसके बाद में जो भी टैक्स आता है वो टैक्स को डिवाइड बाय 12 कर देगा। एवरी मंथ उतना उतना टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अब एक और चीज समझना सर, एम्प्लॉयर अगर अदर इनकम का डिटेल देता है एम्प्लॉय को तो क्या एम्प्लॉय को सर एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को अदर इनकम का डिटेल देता है तो क्या एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा। सर एम्प्लॉय अगर लॉसेस का डिटेल देता है तो क्या एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज नो, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का डिटेल है तो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा। एम्प्लॉय ने अगर डिडक्शन का डिटेल दिया तो क्या एम्प्लॉयर उस डिडक्शन के डिटेल को कंसिडर करेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू कंसिडर द डिटेल ऑफ द डिडक्शन। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर एनी पर्सन पे एम्प्लॉय एनी पर्सन मीन नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय को अगर मान लो सैलरी का पेमेंट करते हो तो टीडीएस 192 में ही कटेगा। रेट रहेगा वो स्लैब रेट से रहेगा, टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली काटना है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि एम्प्लॉई ने अगर एम्प्लॉयर को मान लो इनकम का डिटेल दिया एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, अगर लॉसेस का डिटेल दिया तो नहीं करेगा, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेगा, और डिडक्शन का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय एक से ज्यादा जगह काम करता है, एम्प्लॉय है वो दो जगह काम कर रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि इन बिटवीन द ईयर एम्प्लॉय अपना जॉब चेंज कर देता है, तो उस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा पता है? दूसरे एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी और उसने जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल है वो अदर एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो अदर एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। अब एक और चीज समझना, इससे रिलेटेड सैलरी से रिलेटेड दो तीन केस लॉ भी है। केस लॉ में पहला केस लॉ आईटीसी लिमिटेड का है, और आईटीसी होटल लिमिटेड के केस लॉ में यह हुआ था कि सर क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनको जो टिप मिलता है क्या होता है कि होटल वाले टिप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, कस्टमर देते हैं और होटल क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करता है, जितना भी टिप है या सर्विस चार्जेस वगैरह नॉर्मली मेनी टाइम सर्विस चार्जेस के नाम से ये लोग कलेक्ट करते हैं और वो सब टिप है वो एम्प्लॉय को दे देते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये भी सैलरी में जाएगा, क्या इस टिप वाले अमाउंट पे होटल को टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, यहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी टिप मिल रही है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से नहीं मिल रही है, वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, और जब सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो उस पे टीडीएस 192 में काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक मणिपाल हेल्थ सिस्टम का केस लॉ, उसमें क्या हुआ कि अगर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आता था, जैसे 2 घंटे के लिए, दिन में 2 घंटे के लिए आता था, और मान लो उसको हर पेशेंट वाइज उसको पैसा मिलता था कि दिन में एक पेशेंट का 500 रुपीज डॉक्टर को मिलेगा, अगर 2 पेशेंट है तो 1000 मिल जाएगा, अगर 10 पेशेंट है तो आपको 5000 मिल जाएगा। तो हर पेशेंट वाइज है वो, हर पेशेंट वाइज है वो उसको पेमेंट मिलता था। अब हुआ क्या, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि उसको जो भी पेमेंट मिलेगा वो प्रोफेशनल फीस में जाएगा सैलरी में जाएगा? तो आंसर इज यहां पे प्रोफेशनल फीस में जाएगा। प्रोफेशनल फीस में क्यों जाएगा? बिकॉज इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो उस केस में इसका जो है वो तुम्हारे कहां पे जाएगा, वो तुम्हारे उसके लिए पीजीबीपी हेड में जाएगा, प्रोफेशनल फीस में जाएगा। 194J में टीडीएस कटेगा, 192 में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होता है ना, वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर भरता है। एम्प्लॉयर बोलता है कि तुम्हारे जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उस पर टैक्स मैं भर दूंगा। अब एक चीज समझना, जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो एम्प्लॉयर ने टैक्स भरा, पहली चीज तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलता है पीजीबीपी हेड में। पीजीबीपी हेड में अगर आप सेक्शन 40 में जाके देखोगे तो 40 में लिखा हुआ एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलता जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा एम्प्लॉयर ने। लेकिन एक चीज समझना, जो भी टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट बनना चाहिए, वो एम्प्लॉय के लिए इनकम बननी चाहिए, लेकिन वो भी एग्जेम्प्ट है इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू द सेक्शन 1010C। तो मैंने आपको क्या बोला कि एम्प्लॉयर ने अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉय के लिए टैक्स भरा तो वो एम्प्लॉय के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। और जो एम्प्लॉय है क्या उसका टीडीएस क्रेडिट ले सकता है? नहीं, आंसर इज यस, एम्प्लॉय जो है उसका टीडीएस क्रेडिट ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है दैट इज द 192A। 192A क्या बोलता है कि एक्युमुलेटेड बैलेंस अगर आपको प्रोविडेंट फंड का मिल जाता है, पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन, अगर मान लो आपका प्रोविडेंट फंड और वो प्रोविडेंट फंड का एक्युमुलेटेड बैलेंस अगर आपको मिल जाता है तो उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट रहेगा 10% की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, इसमें टीडीएस तभी काटना है जब एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है तो ऑब्वियसली टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है टीडीएस की रेट क्या रहेगी, 10% रहेगी। एक और चीज ध्यान रखना,
यहां पे जो टीडीएस है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब आपका जो पेमेंट कर रहे हो, जो एक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ आपको मिलता है वो 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है। इफ इट इज लेस देन 50,000 तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, ईपीएफ का कौन सा पेमेंट टैक्सेबल होता है तो मैं बता दूं। देखो, आपको अगर एसपीएफ से कोई मिलता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से, तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। आरपीएफ से कोई मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन आरपीएफ के केस में कंडीशन होता है 5 साल का सर्विस रेंडर्ड होना चाहिए। अगर 5 साल का सर्विस रेंडर्ड नहीं हुआ तो उस केस में आपको जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल होता है तो यहां पे टीडीएस कटेगा, और यूआरपीएफ का पेमेंट है वो भी टैक्सेबल होता है तो उसमें भी यहां पे टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। अब एक और चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो आप अपना पेन नंबर नहीं देते हो तो आपका टीडीएस 206AA के हिसाब से रेट और 20% व्हिचएवर इज हायर से कटता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने अपना पेन नंबर नहीं दिया, यहां पे एम्प्लॉई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, तो उसका एमएमआर की रेट से टीडीएस कट जाएगा। जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहेगी वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट की रेट से टीडीएस कट जाएगा। ये एक ही ऐसी चीज है कि 192A में अगर एम्प्लॉई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस है वो एमएमआर की रेट से कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 193। क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट मिलता है जैसे डिबेंचर बॉन्ड्स का वगैरह, उस पर टीडीएस कब कटेगा, कैसे कटेगा। सबसे पहले पेयर जो है दैट इज द एनी पर्सन, अगर कोई भी एनी पर्सन है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है सिक्योरिटी पे, किसको पता है, रेजिडेंट पर्सन को। टीडीएस का रेट रहेगा वो 10% की रेट से रहेगा, 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर इंटरेस्ट है वो एलआईसी जीआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। एलआईसी जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। और एक और चीज समझना, यहां पे अगर एलआईसी जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, एंड उसके साथ साथ जो डीमैट सिक्योरिटी होगी उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। जो डीमैट में सिक्योरिटी रखी जाती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, एंड दूसरा तुम्हारा 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। अगर इन दो बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, पहला तो तुम्हारा क्या बोला 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018, इस पे अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है और वो इंटरेस्ट अगर पूरे साल का मिला के 10,000 से ज्यादा है तो उस पे टीडीएस कटेगा। अगर वो इंटरेस्ट दिया और वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 10,000 से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, 54EC में जो भी तुम्हारे पीएफसीएल और आईआरसीएल के बॉन्ड होते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स है, उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसका जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट पे आपका जो है वो टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 192A। अब एक चीज समझना, 192A क्या बोलता है, दैट इज द इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मीन सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे टीडीएस 194A में कटता है। मैंने 194A ही बोला था ना, यस 194A करके, ठीक है। देखो, क्योंकि सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट 193 में चला जाता है, बाकी इंटरेस्ट पे 194A में टीडीएस कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए तो मैं बता दूं, यहां पे कौन इंटरेस्ट दे रहा है, पेयर कौन होना चाहिए तो एनी पर्सन। लेकिन एक चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को इंटरेस्ट देता है तो उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उस इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी। मतलब इन सिंपल वर्ड, लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट ऑडिट लिमिट से ज्यादा थी तो ही इस साल टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं मान लो एक बंदा है राकेश, और उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं करके 50,000 का, क्या मुझे राकेश का टीडीएस काटना है या नहीं काटना, तभी है जब लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर, अगर बिजनेस करता हूं तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, सपोज लास्ट ईयर माय टर्नओवर वाज 1.5 करोड़, मैंने 44AD लिया था, तो 44AD लिया था तो मेरी ऑडिट हुई नहीं थी, 44AD में 8% 6% प्रॉफिट बता दिया था, मेरी ऑडिट नहीं हुई थी, बट माय टर्नओवर वाज 1.5 करोड़। नाउ क्वेश्चन इज दैट, इस साल मैं अगर किसी को इंटरेस्ट पे करता हूं क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको यह नहीं देखना कि लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी या नहीं, आपको यह देखना है लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था। इफ योर लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 50 लाख, आपको इस साल टीडीएस काटना पड़ेगा। 194A में पेयर क्या बोला मैंने, एनी पर्सन, बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट इज नॉट मोर देन द ऑडिट लिमिट वाला। पे ही कौन होना चाहिए, किसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो? अगर आप रेजिडेंट एसएससी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट क्या रहेगी? 10% की रेट रहेगी। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब किसी भी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो वो इंटरेस्ट का पूरे साल का मिला के 5,000 से ज्यादा है। मींस इंटरेस्ट अगर 5,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किया वो 6,000 का है, तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, 6,000 का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्वेश्चन इज दैट, 1,000 पे काटना है या पूरे 6,000 पे? राइट आंसर इज पूरे 6,000 पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर मैंने किसी को पेमेंट किया इंटरेस्ट का और वो इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना,
अगर बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट देता है, बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट देता है तो उसको टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के वो इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है। दिस इज द अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर। लास्ट ईयर तक ये 10,000 हुआ करता था। इट इज द अमेंडमेंट कि अगर 40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो को बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा था। अब एक और चीज समझना, अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जाता है तो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जाता है तो 50,000 का लिमिट रहेगा, मींस 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी को भी जब आप इंटरेस्ट पे करते हो टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से, बट टीडीएस तभी काटना है जब आपका जो इंटरेस्ट आप पूरे साल का पे कर रहे हो वो 5,000 से ज्यादा है। लेकिन एक चीज समझना, बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अगर मान लो पे करता है तो इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, और अगर सीनियर सिटीजन को पे किया जा रहा है तो 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, यहां पर समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, कि सर दिस लिमिट ऑफ 40,000 50,000 जो है ये लिमिट ब्रांच वाइज देखा जाएगा या बैंक वाइज देखा जाएगा? राइट आंसर इज ये बैंक वाइज देखा जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आईसीआईसीआई की 3 ब्रांच में मेरे अकाउंट है। अब तीनों ब्रांच में मेरी एफडी है और मुझे मान लो 20,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट तीनों आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है। क्वेश्चन इज दैट, क्या आईसीआईसीआई बैंक मेरा टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, आईसीआईसीआई बैंक मेरा टीडीएस काटेगा, बिकॉज ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी ना कि ब्रांच वाइज। बिकॉज जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, सीबीएस फॉलो करते हैं, तो उनको पता रहता है कि भैया आईसीआईसीआई बैंक ने बीबी सर को कितना इंटरेस्ट दिया है, तो पूरे साल का मिला के अगर इंटरेस्ट वो 40,000 से ज्यादा है तो उस केस में मेरा टीडीएस है वो मेरा टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझता, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो वो इंटरेस्ट बैंक को पे करते हो, एलआईसी को पे करते हो, जीआईसी को पे करते हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो तो उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी बैंक को पे करते हो या फिर एलआईसी को करते हो, जीआईसी को करते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी को आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उस केस में आपको उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज समझना, जो सेविंग बैंक वाला अकाउंट होता है उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा। सेविंग बैंक का मतलब वही तुम्हारा 4%, कोटक महिंद्रा 6%। तो जो सेविंग बैंक वाला है उस पे आपका टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया उस पे भी टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया या अपने मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो उस पे भी टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं, इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है 244A का, जब वो रेजिडेंट पर्सन को मिल रहा है, क्योंकि ये सेक्शन रेजिडेंट को जब आप पे करते हो तभी लगता है, तो उस केस में भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो रिफंड पे टीडीएस है, वो टीडीएस नहीं कटेगा करके, ठीक है। उसके बाद में जो भी तुम्हारे पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, दैट इज अ किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र करके, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वगैरह, इस पे टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटता। तो देखो बेटा अगर मैं आपको इसको रिवाइज करवाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले 194A बोलो, 194A दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर में टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीव 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहनी चाहिए? 10% की रेट से। अब एक और चीज समझना, टीडीएस आपको तभी काटना है जब आप किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 5,000 से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, यहां पे 5,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है। लेकिन अगर बैंक पे कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक पे कर रही है, पोस्ट ऑफिस पे कर रहा है, वो 40,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन को दे रहे हो तो आप 50,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है। उसके बाद में एक और चीज समझना, किसी भी फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। आपने इंटरेस्ट अगर किसी भी बैंक, एलआईसी या यूटीआई या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे किया तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को या मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो उस पर टीडीएस है, वो टीडीएस नहीं कटेगा। और पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स होती है उस पर टीडीएस नहीं कटता। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज द 194B एंड 194BB। 194B का मतलब होता है बड़े लोग। अब एक बात बताओ, बड़े लोग पैसा कहां पे लगाते हैं? लॉटरी में। बड़े लोग पैसा लॉटरी में लगाते हैं। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। पेई कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। रेट इज 30%। पेयर एनी पर्सन पेई, भले नॉन रेजिडेंट है तो भी सेक्शन यही लगेगी, ठीक है। पेयर एनी पर्सन पेई एनी पर्सन, रेट क्या रहेगा? 30% की रेट से टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग आपका 10,000 से ज्यादा है। अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और सेक्शन होती है, दैट इज द 194BB। बीबी मतलब बहुत बड़े लोग करके, ठीक है। तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो किस में पैसा लगाते हैं? घोड़ों पे पैसा लगाते हैं। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस का टीडीएस है वो
94 बीबी में कटेगा। पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन रेट है वो 30% और टीडीएस तभी काटना है जब आपका विनिंग 10,000 से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे दोनों सेक्शन में क्या फर्क है, दोनों सेक्शन 194 बी और बीबी, पहले वाला विनिंग है वो तुम्हारा, दूसरा वाला विनिंग नॉर्मल वाला विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो वगैरह उससे करके, ठीक है। दूसरा किससे है, हॉर्स रेसेस से। पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन रेट 30% और दोनों में 10,000 से ज्यादा का विनिंग है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, विनिंग इन काइंड होता है। मेनी टाइम क्या होता है कि अगर मान लो आपकी लॉटरी लग गई और वो लॉटरी गाड़ी लग गई, तो गाड़ी पे टीडीएस कैसे काटेंगे, क्या 30% काट के और सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि चलो ये 30% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आंसर इज नो। तो उस केस में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजर है वो ऑर्गेनाइजर पहले एंश्योर करेगा कि भैया आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे हो चुका है या नहीं। तो एंश्योर जो करेगा, जो ऑर्गेनाइजर है, दैट ही हैज टू एंश्योर दैट कि टैक्स ऑन विनिंग इज ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट और नॉट, उसके बाद ही वो विनिंग रिलीज करेगा, उससे पहले वो विनिंग को रिलीज नहीं करेगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 194C। यस पीपल, नेक्स्ट सेक्शन इज 194C, दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सी को याद रखोगे कॉन्ट्रैक्ट से। अब एक चीज समझना, कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा कॉन्ट्रैक्टर का, क्वेश्चन ही आता है सबसे पहली चीज के सर कॉन्ट्रैक्ट के केस में पेयर कौन होना चाहिए। पेयर का मतलब यहां पे है कॉन्ट्रैक्टी से, तो कॉन्ट्रैक्टी कौन होना चाहिए, एनी पर्सन। बट एक चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ है उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसेट 50 लाख से ज्यादा था, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड आपको बता दूं कि यहां पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन करके, ठीक है। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसकी ऑडिट हो रही थी, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो तो यहां पे टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगा, तो रेट विल डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% की रेट से, और कॉन्ट्रैक्टर है वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% की रेट से। तो मैंने क्या बोला, अगर कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% की रेट से टीडीएस काटो, और कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% की रेट से, और कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% की रेट से। अब एक और चीज समझना, कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के या तो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 1 लाख से ज्यादा हो जाता है। मींस जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, जिस पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ पूरे साल का मिला के कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा है या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है तभी आपको टीडीएस काटना है। मींस कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको टीडीएस तभी काटना है जब आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के एग्रीगेट है वो कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट है वो आपका 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। मींस कुछ भी वर्क करने के लिए अगर सप्लाई ऑफ लेबर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन टेक अ एग्जांपल, एक बात समझो, जो हमारे ऑफिस में एसी लगे हुए हैं उसका जो एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। एज वेल एज मैं बता दूं, आपके जैसे हम जो ये बुक वगैरह प्रिंट करवाते हैं, ये प्रिंटर से करवाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। हमने क्या किया, यहां पे फर्नीचर बनवाया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखे तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ये जो आप समझ रहे हो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में आते ही है, ये जो नॉर्मल चीजें हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट में आती है, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को और इंक्लूड किया है और बोला ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ब्रॉडकास्टिंग करवाते हो, टेलीकास्टिंग करवाते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और उसमें भी टीडीएस आपको 194C में काटना पड़ेगा। आई कैन टेक अ एग्जांपल, जैसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिलाया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिलाया तो उसके लिए जो पेमेंट किया उसका भी टीडीएस 194C में कटेगा। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है रेडियो पे और टेलीकास्टिंग का मतलब होता है टीवी पे। मैंने क्या किया, मुंबई में एक 93.5 एक रेड एफएम करके चैनल है, उस पे मलिश्का आती है। मलिश्का को मैंने बोला कि सुबह सुबह तू बोल दिया करके बीबी से डीटी पढ़ाते हैं, मैं उसको तेरे को 1 लाख रुपया दे दूंगा। तो मैंने मलिश्का को 1 लाख रुपया दिया और उसने ये बोला ब्रॉडकास्टिंग इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर मैंने अर्णव गोस्वामी के टीवी पे मान लो कुछ दिलाया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई भी इवेंट स्पॉन्सर करते हो तो वो स्पॉन्सरशिप देना, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम मींस अगर आप कोई प्रोग्राम बनवा रहे हो, आप कोई एड वगैरह बना रहे हो, तो वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। आई कैन टेक अ एग्जांपल, मैंने क्या किया कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जरूरत तो पड़ती है नहीं मान लो, बट मान लो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने क्या किया पता है, कि मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में गया और बालाजी वालों के पास में जाके मैंने बोला कि आप एक ऐड बना दो और ऐसा लिखो कि बीबी से डीटी पढ़ाते हैं, और वीडियो में शाहरुख खान आया और शाहरुख खान बोलता है कि बीबी सर है वो बीबी से डीटी पढ़ाते हैं, ऐसा करके शाहरुख खान ने ऐड किया। अब एक चीज समझना, मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स को 10 लाख का पेमेंट किया, तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, 194C में, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे अगर बालाजी टेलीफिल्म्स है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स ने शाहरुख खान को 2 लाख का पेमेंट किया, तो क्या उसका भी टीडीएस 194C में कटेगा? आंसर इज नो, उसका टीडीएस है वो 194J में कटेगा। किसमें कटेगा? 194J में। अब एक और चीज समझना, यहां पे
नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो टीवीएस 194 सी में कटेगा, लेकिन एक चीज समझना, मैंने क्या किया, एक प्लॉट भाड़े पे ले लिया, मैंने किसी से बोला कि एक प्लॉट मुझे स्पेस भाड़े पे दे दो, और स्पेस मैंने भाड़े पे ले लिया और उसके ऊपर मेरी मर्जी से मैं होल्डिंग पुट कर रहा हूं, मेरी मर्जी से मैं होल्डिंग पुट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या उस पे टीडीएस 194 सी में कटेगा? आंसर इज नो। अगर आपने कोई स्पेस भाड़े पे लिया है तो उसका टीडीएस है वो 194 आई में कटेगा, दैट इज द रेंट है वो तुम्हारा, ये रेंट है, ये तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज अ रेंट और टीडीएस 194 आई में कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट का टीडीएस है वहां पे 194 सी में कटेगा। दूसरा जो केटरिंग है, अगर मान लो किसी को केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमारे ऑफिस में हम बहुत बार पार्टी देते हैं और एक केटरर रह करके, ठीक है, हलवाई है, हलवाई को अगर मान लो ऑर्डर दिया और उसको कुछ पेमेंट करते हैं तो भी टीडीएस है 194 सी में कटेगा। केटरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, अगर गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड पे तो उसका भी टीडीएस 194 सी में कटेगा। जैसे बहुत बार हमारी जो बुक्स है हम मुंबई से क्या करते हैं दिल्ली भेजते हैं, तो मुंबई से दिल्ली एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजते हैं, वीआरएल ट्रांसपोर्टर है, और उसको हमने मान लो 60,000 ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किया तो टीडीएस है वो कहां पे कटेगा? 194 सी में कट जाएगा। लेकिन रेलवे को छोड़ के ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, रेलवे जो है वो गवर्नमेंट का ही तो है, अब गवर्नमेंट का टीडीएस काट के आप गवर्नमेंट को जमा करवाओगे क्या फायदा? तो मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे अगर आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस है वो 194 सी में कटेगा। हम जो कुरियर कंपनी को पेमेंट करते हैं जैसे फेडएक्स है, डीटीडी है, या फिर एक्सप्रेस बीज है जिसके थ्रू हम कुरियर करते हैं और उसको अगर जो पेमेंट करते हैं उसका भी टीडीएस 194 सी में कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो हम किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टर हमको एक डिक्लेरेशन दे देता है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर हमको क्या करता है, एक डिक्लेरेशन दे देता है कि भैया उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, पूरे साल में उसके पास 10 से ज्यादा एक भी दिन व्हीकल नहीं है, अगर वो डिक्लेरेशन के साथ में अपना पैन नंबर हमको दे देता है तो उसके केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो, ट्रांसपोर्टर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि पूरे साल में किसी भी दिन उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है वो डिक्लेरेशन दे देता है एंड भैया वो अपना पैन नंबर सबमिट कर देता है तो उस केस में उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, तो मैंने क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, उसके बाद कैटरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। अब एक और चीज समझना यहां पे, कभी भी मैंने क्या बोला, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन भी 194 सी में टीडीएस कटेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि आपके एग्जाम के बाद हम गोवा जाएंगे घूमने के लिए, तो हमने क्या किया कि दो बसेस भाड़े पे की और वीआरएल या नीता ट्रेवल्स वाले को बोला कि हम सबको गोवा घुमा के आओ और यहां पे फिर छोड़ देना, और उसके लिए मान लो 4 लाख का पेमेंट किया, टीडीएस 194 सी में कटेगा, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। अब यहां पे एक और चीज समझना, लेकिन हमने किसी से बस भाड़े पे ले ली, क्योंकि आप लोग ड्राइवर थे, आपको चलानी आती थी तो आप लोग ड्राइवर थे, मैंने किसी से बस भाड़े पे ले ली, ठीक है, और बस भाड़े पे ले ली, पेट्रोल भी हम भरवा रहे हैं और बस भाड़े पे ली, तो टीडीएस 194 आई में जाएगा क्योंकि वो फिर रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। अब एक और चीज समझता है, सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है, कभी भी आप इंडिविजुअल टिकट बुक कराते हो फ्लाइट में, जैसे मान लो मैंने क्या किया कि मेरे को यहां से यूएसए जाना था, मेरे ऑफिस से मान लो मैं टिकट बुक करवाया 70,000 का, 70,000 का टिकट है, क्या उसमें जैसे मैंने मान लो पेमेंट किया वो इंडिगो को किया या जेट एयरवेज तो रहा नहीं अभी करके, इंडिगो विस्तारा को मान लो पेमेंट किया तो विस्तारा का टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। यहां पे सीबीडीटी बोलती है कि जब आप सिंगल इंडिविजुअल टिकट्स वगैरह बुक करवाते हो तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप पूरा फ्लाइट ही बुक करवा देते हो, आपने पूरा फ्लाइट बुक करवाया कि चलो अपन सब लोग यूएस चलेंगे, जितने एम्प्लॉई उसी फ्लाइट में चलेंगे और उसको बोल के और पूरा फ्लाइट आपने हायर कर दिया तो उस केस में आपको टीडीएस 194 सी में काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जो जॉब वर्क होता है, एक पॉइंट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में, एक और चीज आएगी, दैट इज सप्लाई, अगर आप मान लो कोई प्रोडक्शन करते हो गुड्स का, समझना, अगर आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय क्लाइंट एंड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, तो वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाई बाय क्लाइंट, मीन्स मटेरियल क्लाइंट सप्लाई कर रहा है और उसी मटेरियल से उसके मुताबिक उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसने मटेरियल सप्लाई किया या फिर उसने मटेरियल सेल किया तो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और यहां पे टीडीएस 194 सी में आएगा, जिसको अपन लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब वर्क बोलते हैं, तो जॉब वर्क पे टीडीएस है वो 194 सी में कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, जब भी आप जॉब वर्क की वगैरह बात आती है तो क्वेश्चन ये आता है टीडीएस पूरे इनवॉइस वैल्यू पे कटेगा या सिर्फ जो तुम्हारा सर्विस वाला कंपोनेंट है उसी पे कटेगा। तो देखो दो चीजें, अगर मान लो तुम्हारे बिल में गुड्स और सर्विस की वैल्यू अलग अलग बताई हुई है तो सिर्फ सर्विस वाला कंपोनेंट है उस पे टीडीएस कटेगा, बट अगर मान लो अलग से नहीं बताई हुई है तो उस केस में क्या होगा, जो एग्रीगेट पूरा वाला वैल्यू है उस पे भी टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आता है,
बहुत बार जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है उनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं टीडी, उनको पेमेंट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे को क्या करना था, मेरे को मान लो जो आज तक है जो इंडिया टुडे ग्रुप से वहां पे एडवर्टाइजमेंट करना था, तो मैंने आज तक पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने डायरेक्ट आज तक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। मैंने पहले क्या किया, पहले मुंबई में एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल एडवर्टाइजर, मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपीज ग्लोबल एडवर्टाइजर को पेमेंट किया और ग्लोबल एडवर्टाइजर ने 9 लाख रुपीज है वो इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट किया आज तक को। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन आई पेड द 10 लाख रुपीज टू द ग्लोबल एडवर्टाइजर इज आई रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194C? आंसर इज यस। मतलब क्लाइंट जब भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करता है तो उसके इसमें टीडीएस 194C में कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जब भी किसी न्यूज चैनल या न्यूज पेपर वाली कंपनी को पेमेंट करती है तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, ऐसा सीबीडीटी का सर्क्यूलर बोलता है। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने अगर मान लो मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर को पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा 194C में, लेकिन जब ग्लोबल एडवर्टाइजर है वो इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट करेगी तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसको पेमेंट किया 10 लाख का, उस पर मैंने टीडीएस काटा, वो आगे 9 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो इंडिया टुडे ग्रुप है उससे ग्लोबल एडवर्टाइजर ने 1 लाख रुपए अपने पास रिटेन करके रखे, बिकॉज मैंने 10 लाख का पेमेंट किया था, दे आर मेकिंग पेमेंट 9 लाख रुपीज टू द इंडिया टुडे ग्रुप। सो क्वेश्चन इज दैट इज 1 लाख दैट विल बी ट्रीटेड एज कमीशन फॉर द ग्लोबल एडवर्टाइजर, क्या ये ग्लोबल एडवर्टाइजर के लिए कमीशन माना जाएगा और उस केस में क्या इंडिया टुडे ग्रुप को 94H में TDS काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। यहां पे CBDT बोलती है आंसर इज नो, यहां पे बेटा इंडिया टुडे ग्रुप को 194H में TDS काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बेसिकली जो है ये कोई कमीशन नहीं है, यहां प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। मींस जो ग्लोबल एडवर्टाइजर और आज तक के बीच में प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, दे आर नॉट अ एजेंट ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप, ग्लोबल एडवर्टाइजर इज नॉट अ एजेंट ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप, तो यहां पे TDS है वो 194H में 1 लाख पे काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है दैट इज प्रसार भारती के केस में, प्रसार भारती का जो दूरदर्शन चैनल है, अब दूरदर्शन चैनल ने क्या किया था, इंडिया में बहुत सारे जो है एक्सक्लूसिव एजेंट अपॉइंट किए थे और उनके थ्रू पेमेंट आता था और कुछ पेमेंट वो रिटेन करके और बाकी वाला प्रसार भारती को देते थे, यहां पे प्रसार भारती को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एजेंट है, वो एजेंट एक्सक्लूसिवली उनके लिए काम कर रहा है नहीं, और वो एजेंट है या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। अगर एजेंसी रिलेशनशिप है तो 194H में टीडीएस कटेगा, लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो उसमें टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैनी टाइम क्या होता है कि बहुत बार ये जो न्यूज चैनल वगैरह जो होते हैं या जो ये टीवी चैनल होते हैं ये क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम बनवाते हैं प्रोडक्शन हाउस से। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक न्यूज चैनल का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द जी टीवी करके, ठीक है। अब ये जो जी टीवी वाले हैं ये रोज महाभारत शाम को बताते ही है, और इन्होंने क्या किया, इनको महाभारत बताना था, इन्होंने बोला कि हम एक महाभारत बनाएंगे क्योंकि लड़ाते रहते हैं ये लोग, तो महाभारत बनाने के लिए ये गए धर्मा प्रोडक्शन के पास। धर्मा प्रोडक्शन अपना करण जौहर वाला, करण जौहर के पास में जाते हैं जी न्यूज वाले, और जी न्यूज वाले बोलते हैं कि हमको भैया यहाँ पे हमको है ना एक प्रोग्राम बनाना है महाभारत, इसमें अर्जुन ये रहेगा, राम 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 कहाँ आता है महाभारत में, कुछ भी, अर्जुन ये रहेगा, क्या बोलते हैं, अर्जुन ये रहेगा, कृष्णा ये रहेगा, सुदामा ये रहेगा, ये सब चीजें उन्होंने बताई। किसने बताई, जी न्यूज वालों ने। किसको बताई, धर्मा प्रोडक्शन को। धर्मा प्रोडक्शन ने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको प्रोग्राम बना के दे दिया और उसके लिए 2 करोड़ रुपए धर्मा प्रोडक्शन ने मान लो चार्ज किया। क्या ये 194C में जाएगा, आंसर इज यस, ये 194C में जाएगा, इसमें टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, हुआ क्या कि जैसे ही जी न्यूज वाले धर्मा प्रोडक्शन के पास गए, धर्मा प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि हमारे पास पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमारे पास पहले से एक प्रोग्राम पड़ा है, इसी को ले जाके आप चला दो करके, ठीक है, पहले से हमारे पास प्रोग्राम पड़ा है, इसी को लेकर जाके चला दो। तो यहां पे क्या हुआ कि जी न्यूज ने उनके पास से जो प्रोडक्शन प्रोग्राम खरीदा वो ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस था और वो उनको दे दिया। तो क्वेश्चन ही आता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, इसमें टीडीएस नहीं कटेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194D, डी का मतलब ऐसे याद रखो कि दलाल करके, ठीक है, जस्ट मैं डी जो ये बोल रहा हूं बहुत बार, सी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, बी का मतलब बड़े लोग, बीवी मतलब बहुत बड़े लोग, ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ना जिससे कि आपको सेक्शन नंबर के साथ याद रहे, ठीक है। तो 194D is for दलाल, दलाल means insurance agent, insurance दलाल ऐसे याद रखना, ठीक है। 194D is a दलाल, दलाल means insurance agent। अब एक बात समझना, TDS on insurance commission, payer कौन रहेगा, insurance company, payee कौन होना चाहिए, resident agent। जो resident agent को अगर payment किया insurance commission का तो TDS कटेगा, payer is the insurance company। अब एक चीज समझना, यहाँ TDS का rate 5% रहेगा, लेकिन TDS तभी काटना है, TDS है वो TDS तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के जो एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है वो 15,000 रुपीज से ज्यादा है। अगर अप टू 15,000 है तो TDS काटने की जरूरत नहीं। तो देखो बेटा, payer insurance company, payee is a resident agent, TDS का rate रहेगा 5%, और बेटा TDS तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के जो कमीशन है वो कमीशन आपका 15,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, 5% का रेट रहेगा। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 194DA, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी।
अब एक चीज समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी रहता है, यहां पे इंटरेस्टिंग और थोड़ा अच्छे से समझना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा या नॉर्मल में आएगा, आरटीपी में भी था क्वेश्चन करके, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, लेकिन एक चीज समझना, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। एक तो जैसे कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबल होता है, और एक और चीज समझना, अगर आप जब प्रीमियम पे करते हो वो प्रीमियम स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा पे कर देते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। वो लिमिट क्या होती है, जैसे पॉलिसी आपने 1/4/2012 से पहले ली है तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, अगर आपने पॉलिसी 1/4/2012 के बाद में ली है तो उसमें 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 1/4/2013 के बाद में किसी भी अगर मान लो हैंडीकैप पर्सन के लिए ली है तो उसके केस में 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अगर एक बात बताओ, आपने प्रीमियम उस लिमिट्स में पे किया था तो मैच्योरिटी पूरा एग्जेम्प्ट है, तो और एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रीमियम जो पे किया था वो लिमिट से ज्यादा पे किया था तो उस केस में आपका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा, और अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, टीडीएस कौन सी रेट से कौन काटेगा, इंश्योरेंस कंपनी काटेगी करके, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टीडीएस काटेगी एनी पर्सन का, मींस एनी रेजिडेंट पर्सन को जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी दिया जाता है उस टाइम पे टीडीएस कटता है। टीडीएस की सेक्शन रहेगी 194DA। अब एक चीज समझना, टीडीएस की रेट क्या रहती है, 1% ऑन द मैच्योरिटी अमाउंट। जो भी तुम्हारा मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा उस पे 1% की रेट से टीडीएस है, वो टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस तभी कटेगा जब मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख और मोर है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट 1 लाख है टीडीएस कटेगा। 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, 1 लाख से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी सम पे टीडीएस काटेगी, मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख और मोर है तो टीडीएस कटेगा, और दूसरी चीज वो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा। टीडीएस की रेट रहेगी 1% ऑन द मैच्योरिटी। लेकिन एक चीज समझना, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट ये किया कि टीडीएस जो पहले कटता था वो मैच्योरिटी सम पे, जो मैच्योरिटी सम है वो मैच्योरिटी सम पे 1% की रेट से कटता था, अब इन्होंने बोला कि फ्रॉम 1 सितंबर 2019 से टीडीएस की रेट है वो 5% हो जाएगी। 1 सितंबर 2019 से टीडीएस की रेट 5% होगी, और टीडीएस मैच्योरिटी अमाउंट पे नहीं काटना है, टीडीएस आपको काटना है वो सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे काटना है, कि जितना प्रीमियम आपने पे किया था और मैच्योरिटी सम जितना डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस पे टीडीएस काटना है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई और आपने प्रीमियम है वो 10-15% से ज्यादा पे किया था तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अभी तक आपने प्रीमियम पे किया था मान लो 2 लाख का प्रीमियम पे किया था और मैच्योरिटी अमाउंट है वो 5 लाख है, तो 2 लाख का प्रीमियम पे किया था मैच्योरिटी 5 लाख है, तो पहले तो क्या होता था पूरे 5 लाख पे आपका टीडीएस 1% से कटता था, दैट इज द 5000। अब टीडीएस है वो सिर्फ 3 लाख पे कटेगा, जो तुम्हारा इनकम कंपोनेंट रहेगा डिफरेंस मैच्योरिटी सम माइनस जितना प्रीमियम पे किया था, तो डिफरेंस हियर कम्स टू द 3 लाख, और 3 लाख का आपका 5% है वो 5% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस कटेगा। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, 1 सितंबर 2019 से ये तुम्हारा 5% हो गया और टीडीएस है वो टीडीएस सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे कटेगा, लेकिन 1 सितंबर 2019 से पहले 1% कटेगा मैच्योरिटी सम पे। लेकिन एक चीज समझना, वो 1 लाख का जो लिमिट है ना, कि मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख और मोर है तो ही टीडीएस कटना, वो अभी भी मैच्योरिटी जो लिमिट है टीडीएस के लिए वो 1 लाख ही रहेगा। तो अभी भी आज भी देखो, टीडीएस तो इनकम कंपोनेंट पे कटेगा, बट टीडीएस कब कटेगा, वो तभी कटेगा जब मैच्योरिटी सम है वो 1 लाख या उससे ज्यादा है। अगर 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेक्शन 194DA। इसको कैसे याद रखोगे, डेथ आफ्टर करके ऐसे याद रखो ना, डेथ आफ्टर अपने को क्या मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ऐसा याद रखो डेथ आफ्टर करके, ठीक है। डेथ आफ्टर नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, बट आप ऐसे याद रखो, डेथ आफ्टर इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194E। 194E का मतलब क्या होता है, आप लोग आईपीएल देखते हो और आईपीएल में पता है, आईपीएल में जैसे ही ब्रेक होता है वहां पे एक एक्स्ट्रा इनिंग आती है, तो इसको याद रखोगे एक्स्ट्रा इनिंग से। ये सेक्शन बोलती है कि अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को अगर आप पेमेंट करते हो तो उस केस में टीडीएस 194E में कटेगा। तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो भी प्लेयर होते हैं उनको पेमेंट करते हो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे आईसीसी है या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब है दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, या एंटरटेनर जो चेयर लीडर वगैरह आती है दैट इज कॉल्ड एंटरटेनर, आतिफ असलम वगैरह दैट इज कॉल्ड एंटरटेनर, उनको अगर आप पेमेंट करते हो टीडीएस 194E में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन। पेई कौन होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है या एंटरटेनर है, ये नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए।
ये नॉन रेजिडेंट के साथ साथ ये नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, तभी बेटा ये सेक्शन लगेगी। अब एक और चीज समझना, टीडीएस का रेट रहेगा 20%, लेकिन ध्यान रखना जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो ऑलवेज आपको सेस तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो 20+ आप 4% की रेट से सेस इंक्लूड करोगे। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो पर्टिकुलर आप पेमेंट कर रहे हो वो 50 लाख से वगैरह ज्यादा है तो वहां सरचार्ज भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग यहाँ पे, सर जब आप पेमेंट कर रहे हो किसका पेमेंट कर रहे हो, तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आप पेमेंट करते हो या तो उसने कोई इंडिया में गेम में पार्टिसिपेट किया जैसे आईपीएल वगैरह खेलने आता है तो, या फिर इंडिया में उसने एडवर्टाइजमेंट किया जैसे एडवर्टाइजमेंट एक आता था ना वो आपको पता, किंगफिशर का आईपीएल में आता है उला ला ला ले ओ डिवाइडेड बाय टीम्स एंड यूनाइटेड बाय किंगफिशर, तो वो वाला जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया, या फिर न्यूज़पेपर में उन्होंने कोई आर्टिकल वगैरह दिया था करके, ठीक है, और उसके लिए पेमेंट करता है, टीडीएस इसमें कटेगा। या एंटरटेनर ने कहीं परफॉर्म किया था ग्राउंड में थिएटर में कहीं पे भी अगर इंडिया में परफॉर्म किया और उसके लिए एंटरटेनर को पेमेंट मिलता है तो टीडीएस है वो 194E में कटेगा। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है मैच रेफरी और एंपायर जो होते हैं करके, ठीक है, क्या वो भी स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं? आंसर इज नो, वो स्पोर्ट्स पर्सन में नहीं आते, तो किसी मैच रेफरी को एंपायर को पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस 195 में जाता है, 194E में नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 194G। जी का मतलब होता है गैंबलिंग। एक बात बताओ आपको गैंबलिंग करना कौन सिखाते हैं? लॉटरी एजेंट। आपको गैम्बलिंग करना सिखाते हैं लॉटरी एजेंट, तो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस 194G में कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन रेट रहेगा 5% और टीडीएस तभी काटना है जो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन दे रहे हैं, लॉटरी एजेंट को जो कमीशन दे रहे हैं वो कमीशन आपका पूरे साल का मिला के 15,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अगर अपटून 15,000 है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो 194G मींस गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको? गैम्बलिंग कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट। लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन रेट आपका 5% रहेगा, टीडीएस तभी काटना है जब 15,000 से ज्यादा पर एनम का कमीशन है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194H। H वाली सेक्शन क्या बोलती है? इसको ऐसे याद रखोगे, आप अगर हाउस भाड़े पे लेते हो, कहीं पे आपने हाउस भाड़े पे लिया तो आप सबसे पहले ब्रोकर के थ्रू लेते हो, तो ब्रोकर को जो ब्रोकरेज कमीशन देते हो उस पे टीडीएस यहां पे कटेगा। तो 194H इज बेसिकली फॉर टीडीएस ऑन द ब्रोकरेज एंड कमीशन। लेकिन कौन कौन सा? LIC एजेंट वाला छोड़ के और लॉटरी एजेंट वाला छोड़ के। तो कमीशन LIC एजेंट वाला जो है वो तुम्हारे 194D दलाल में कवर हो गया और लॉटरी एजेंट वाला 194G मतलब गैम्बलिंग वाले में उधर कवर हो गया करके, ठीक है। बाकी कोई भी आप अगर कमीशन या ब्रोकरेज किसी को पे करते हो तो TDS 194H में कटेगा। पेयर एनी पर्सन रहेगा, लेकिन एक चीज समझना, आपको TDS है कमीशन ब्रोकरेज पे तभी TDS काटना है जब लास्ट ईयर में आपका ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा था या टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा था। तो इंडिविजुअल HUF किसी को अगर कमीशन ब्रोकरेज दे रहा है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं किसी को कमीशन ब्रोकरेज दे रहा हूं, तो मुझे टीडीएस उसका तभी काटना है, मुझे टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, तो मैंने क्या बोला, पेयर एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल HUF वो लास्ट ईयर वाला, ठीक है। अब एक और चीज समझना, पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस कब काटना है? जब आप 15,000 पूरे साल का 15,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो कमीशन ब्रोकरेज का तो ही टीडीएस काटना, रेट रहेगी 5%। एक बात बताओ, कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन है, एक तो तुम्हारा 194D इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, एक 194G वो मतलब गैम्बलिंग वाला लॉटरी एजेंट का कमीशन, और 194H दैट इज द नॉर्मल कमीशन। इन तीनों चीज सेक्शन में एक दो चीज कॉमन है, पहली चीज तो ये कॉमन है कि तीनों में 5% की रेट है और तीनों में 15,000 से ज्यादा का है तो ही टीडीएस काटना, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कमीशन है उस पे टीडीएस नहीं काटेगा, जैसे अंडरराइटर का कमीशन वगैरह जो होता है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोई होते हैं और उसमें कोई कमीशन है तो उस पे टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194I। आई का मतलब क्या होता है? आई का हम महाराष्ट्र में आई मतलब मम्मी को बोलते हैं, मम्मी का आई, आई बोलते हैं आई तुझा आशीर्वाद, जैसे माँ तेरी मेहरबानी ऐसा बोलते हैं बाहर नॉर्थ में वगैरह, तो हम यहाँ पे बोलते हैं आई तुझा आशीर्वाद। आई तुझा आशीर्वाद मतलब आई मतलब मम्मी को बोलते हैं। आज एक बात बताओ, अपन कितने बड़े हो गए, अपन CA फाइनल में है, अपन इतने बड़े हो गए, आपको लगता नहीं आई को आपको रेंट देना चाहिए? तो 194I इज फॉर रेंट करके, ठीक है। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। लेकिन एक बात समझना, इंडिविजुअल HUF को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, तो पेयर एनी पर्सन बट इंडिविजुअल HUF वाला वो एक्सेप्शन, ठीक है। पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। अगर आप रेजिडेंट पर्सन को रेंट का पेमेंट करते हो तभी टीडीएस काटना है। टीडीएस का रेट क्या रहेगा? अगर रेंट प्लांटेड मशीनरी इक्विपमेंट पे है, रेंट जो है वो अगर वो प्लांटेड मशीनरी इक्विपमेंट, तो 2%, और अगर मान लो अदर किसी पे फर्नीचर बिल्डिंग पे लैंड पे वगैरह रेंट है तो उस केस में आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अगर प्लांटेड मशीनरी का रेंट है तो 2% और अदर मान लो फर्नीचर लैंड बिल्डिंग का रेंट वगैरह है तो 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना,
टीडीएस तभी काटना है जब किसी भी पर्सन को आप रेंट पे कर रहे हो ना, वो रेंट आपका पूरे साल का मिला के 240,000 से ज्यादा है। देयर इज अमेंडमेंट। लास्ट ईयर तक ये 180 का लिमिट था, नाउ इट इज अ 240,000। अगर 240,000 रुपीस से ज्यादा का रेंट है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, हमने क्या किया, मुंबई में क्लासेस चलाते हैं, नेम इज अ एडुकेटरी, और एडुकेटरी जो क्लासेस है, एडुकेटरी के लिए मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग रेंट पे लिया किसी पर्सन से जिसका नाम है काका। काका से बिल्डिंग रेंट पे लिया, उसका भाड़ा है 1 लाख। उससे मैंने प्लांट एंड मशीनरी और रेंट पे लिया, उसका भाड़ा है मान लो 80,000। उससे मैंने फर्नीचर भी रेंट पे लिया, उसका भाड़ा है 50,000। सो 80-50 कम्स टू 130 प्लस 1 लाख, 2,30,000 का मैं काका को रेंट पे कर रहा हूं, लेकिन मैं फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग सबका मिला के मैं काका को 2,30,000 का रेंट का पेमेंट कर रहा हूं, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। बट मैं अगर 240 से ज्यादा पेमेंट करता हूं, अगर मैं 240 से ज्यादा मान लो सब मिला के मैंने उनको 3 लाख का पेमेंट किया, 1 लाख बिल्डिंग का पूरे साल में, 1 लाख फर्नीचर का, 1 लाख प्लांट एंड मशीनरी का, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, आपको क्या देखना है कि जिस पर्सन को आप रेंट पे कर रहे हो वो 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैंने कोई बिल्डिंग भाड़े पे ली और वो बिल्डिंग भाड़े पे ली उसका पूरे साल का भाड़ा है, पूरे ईयर का भाड़ा है, दैट इज द 3 लाख। बट वो दो भाई है, एक राम और एक लखन, राम को 150 रेंट देता हूं, लखन को 150 रेंट देता हूं, उस बिल्डिंग का रेंट इज 3 लाख, बट राम को मैं 150 दे रहा हूं, लखन को 150 दे रहा हूं, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। आपको यह देखना है कि जिस पेई को आप पे कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पेई को 2,40,000 से ज्यादा पे कर रहे हो तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहां पे जो लिमिट है 240 की वो पेई वाइज देखी जाएगी, जिस पर्सन को आप रेंट दे रहे हो उस पर्सन को जो रेंट दे रहे हो वो 240 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, जो भी एडवांस रेंट है या अरियर्स ऑफ रेंट होता है उस पे भी टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा क्या? आंसर इज नो, डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट किसको बोलते हैं पता है, कि ऐसी डिपॉजिट जो आपको रिफंड नहीं होने वाली, दैट इज कॉल्ड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। ऐसी डिपॉजिट जो आपको रिफंड नहीं होने वाली, इट इज लाइक अ रेंट ओनली, तो भैया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उस पे टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, अपन ने बिजनेस ट्रस्ट में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो REIT होता है उसकी बहुत बार ओन प्रॉपर्टी होती है, ओन कॉम्प्लेक्सेस मॉल वगैरह होते हैं, और उस पे जो रेंट मिलता है REIT को, वो REIT के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो क्वेश्चन ही आता है REIT को जो रेंट पे कर रहा है क्या उसको REIT का टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, क्योंकि उसके हाथ में वो रेंट 1023 FCA में एग्जेम्प्ट हो जाता है तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारी फ्लाइट होती है वो फ्लाइट क्या करती है आपको पता है, फ्लाइट है वो लैंड करती है, पार्किंग करते हैं एयरपोर्ट पे वगैरह, तो जो ये तुम्हारी कंपनी रहती है जैसे जेट एयरवेज है, इंडिगो है, ये लोग क्या करते हैं, स्पाइस जेड है, विस्तारा है, ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पे करते हैं। क्वेश्चन इज दैट, ये लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस पे कर रहे हैं क्या ये रेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है? राइट आंसर इज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है और टीडीएस है वो 194C में कटेगा, ना कि 194I में। ये 194I में नहीं जाएगा, ये 194C में जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जापान एयरलाइंस एज वेल एज सिंगापुर एयरलाइंस के केस लॉ में जजमेंट दिया। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है कि रेंट में बहुत बार म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड होता है तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पे भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, अगर रेंट में म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड है तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे टीडीएस है वो आपका नहीं कटेगा। और मैं बता दूं, जो 15G 15H वाला फॉर्म होता है ना वो रेंट के केस में दे सकते हैं, रेंट के केस में 15G 15H वाला फॉर्म है वो दे सकते हैं। अब एक सेक्शन आती है 194IA, 194IA को आप ऐसे याद रखोगे कि 3-4 साल पहले एक नई सेक्शन आई है, नेम इज 194IA। 194IA ये बोलती है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेस करते हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप बेचोगे तो उस पर ऐसे भी कैपिटल गेन लगता नहीं है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और परचेस करते हो तो उस पर टीडीएस 194IA में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। पेई रेजिडेंट पर्सन मीन सेलर जो होना चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए, तभी यहां टीडीएस कटेगा। टीडीएस कौन काटेगा? बायर काटेगा किसका? सेलर का। तो बायर इज एनी पर्सन और सेलर शुड बी अ रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस की रेट रहेगी 1%, टीडीएस की रेट रहेगी 1%। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल और परचेस करते हो 1% की रेट से आपको टीडीएस काटना है, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब कंसिडरेशन आपका 50 लाख या उससे ज्यादा है। कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख टीडीएस नहीं काटना, एग्जैक्ट 50 लाख टीडीएस काटना है। मीन्स 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन है तो टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो 48 लाख में खरीदी, बट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है। क्वेश्चन इज दैट, क्या टीडीएस काटना? आंसर इज नो, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैंने एक प्रॉपर्टी है वो खरीदी 80 लाख में, बट दो भाई से खरीदी, राम और लखन, 80 लाख में खरीदी प्रॉपर्टीज 80 लाख में,
और राम को मैंने पेमेंट किया 40 का और लखन को पेमेंट किया 40 का, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। यहां कंसिडरेशन प्रॉपर्टी का देखना है, मींस जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो उसका कंसिडरेशन कितना, इफ दैट कंसिडरेशन इज मोर देन, दैट कंसिडरेशन इज 50 लाख और मोर, तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैंने 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट किया है, 80 लाख का पेमेंट किया। आप यहां किसको पे कर रहे हो उससे मतलब नहीं, आप वो प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन अगर 50 या उससे ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, मेनी टाइम क्या होता है कंसिडरेशन इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या किया 5 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो मुझे पेमेंट करना है वो 1 करोड़ 5 ईयर्स में करना है, तो 1 करोड़ पे एवरी ईयर मुझे टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, नॉर्मली टीडीएस क्या होता है, जिस मंथ में आप काटते हो उसके अगले महीने की 7th को जमा करवाना पड़ता है, बट या 194IA में जो टीडीएस काटते हो वो अगले महीने की 30 डेज के अंदर अंदर जमा करवाना पड़ता है। जैसे मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपने जुलाई में टीडीएस काटा तो 30th अगस्त तक आपको जमा करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 10 नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आप 26QB करके एक फॉर्म आता है और वो 26QB करके आप फॉर्म भरोगे और डायरेक्टली ऑनलाइन है वो टीडीएस को जमा करवा दोगे विद इन 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब एक और चीज समझना, इस साल से एक अमेंडमेंट है, क्वेश्चन ही आता है कि जैसे बहुत बार ये बिल्डर लोग क्या करते थे, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 45 लाख में, प्रॉपर्टी की वैल्यू बोलते थे 45 लाख, बट उसमें बोलते थे 3 लाख है वो पार्किंग चार्जेस है करके, ठीक है 3 लाख है वो सोसाइटी का एडवांस चार्जेस है, सोसाइटी चार्जेस है, मेंबरशिप चार्जेस है करके, ठीक है एडवांस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये सब मिला के और टोटल बन गया 55 लाख। क्वेश्चन इज दैट क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? पहले ऐसा था कि टीडीएस नहीं कटता था, बट अब निर्मला सीतारमण ने अमेंडमेंट किया और 1 सितंबर 2019 पे बेटा टीडीएस कट जाएगा, मींस पूरे 55 लाख पे टीडीएस कटेगा, ये 50 लाख की लिमिट में इंक्लूड होगा। तो जो भी कार पार्किंग फीस है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस है, मेंटेनेंस फीस वगैरह है, ये जो ली जाती है एट द टाइम ऑफ द सेल, तो उसके इसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा और ये टोटल मिला के 50 लाख से ज्यादा है तो उसमें टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 194IB। आईबी को आप ऐसे याद रख सकते हो इमूवेबल बिल्डिंग, ऐसा समथिंग आप याद रख सकते हो। अब एक चीज समझना, 194IB क्या बोलता है कि अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो रेंट पूरे मंथ का मिला के 50,000 से ज्यादा है, मींस अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली और रेंट पूरे मंथ का, मींस पर मंथ का, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस 194IB में काटना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर रेंट पे टीडीएस तो 194IB में काट लेते हैं, आई टीडीएस फॉर रेंट, आंसर इज यस उसमें काट लेते हैं, लेकिन उसमें पता है तुमको इंडिविजुअल एचयूएफ को एक्सक्लूड किया था जिसकी लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ तक ही थी या ग्रॉस रिसीट 50 लाख ही थी, उससे कम थी, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया था, वो यहां पे आ जाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर पेयर में कौन लिखा हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 194IB में कवर नहीं होते, जो 194IB में कवर नहीं होते वो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी रेजिडेंट पर्सन को अगर रेंट पे करते हो और पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ टीडीएस कटना पड़ेगा। और टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 5% की रेट से। यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा 5% रहेगा। एक और चीज समझना, यहाँ पे टीडीएस कब काटना है? नॉर्मल केस में क्या होता है कि टीडीएस काटते हैं एवरी मंथ करके, बट यहाँ पे है ना टीडीएस काटना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट मंथ का जो रेंट आप क्रेडिट करते हो या पेमेंट करते हो, जो लास्ट मंथ का मतलब अगर मान लो इस साल में आपने वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खाली नहीं किया तो मार्च मंथ का रेंट, बट मान लो आपने इसी साल में वैकेट कर दिया, दिसंबर के बाद वैकेट कर दिया, तो दिसंबर मंथ का जो रेंट था वो, तो मैंने बोला लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, उसके रेंट से आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना है। तो मैं बता दूं 194IB में आपको जो टीडीएस काटना पड़ेगा वो टीडीएस किससे काटना पड़ेगा, लास्ट मंथ ऑफ द रेंट और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी वाला है उससे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है कि भैया अगर आगे वाला आपको पैन नंबर नहीं देता तो आप टीडीएस कौन सी रेट से काटते हो? 20% और रेट विच एवर इज हायर। लेकिन आई कैन टेक वन एग्जांपल। अब एक बात समझना, मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई भाड़े पे ली जगह और मेरी वाइफ बोलती है अपना घर अच्छा होना चाहिए और उसका भाड़ा 60,000 है, तो 60,000 भाड़ा है पूरे साल रहे तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो आपको 7,20,000 आया। अब एक बात बताओ उसका 5% टीडीएस कितना आता है? 36,000। बट एक बात समझना, 36,000 आगे वाले ने अपना पैन नंबर नहीं दिया, तो आगे वाले ने पैन नंबर नहीं दिया तो हमको 7,20,000 का 20% टीडीएस काटना पड़ेगा, इट्स कम्स टू 1,44,000। बट 1,44,000 तो लास्ट मंथ का रेंट ही नहीं है, बिकॉज टीडीएस तो अल्टीमेटली लास्ट मंथ के रेंट से काटना है, बट लास्ट मंथ का रेंट इज ओनली 60,000। सो हियर वी हैव टू रिक्वायर टू डिडक्ट
टीडीएस ओनली 60,000। तो मैं बोलूं जो 20% वाला टीडीएस है उसमें भी हमारा मैक्सिमम टीडीएस आएगा वो लास्ट मंथ का रेंट आएगा, उससे ज्यादा टीडीएस नहीं काटना है। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला यहां पे, पेयर कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194i में कवर नहीं होते। अगर मान लो किसी रेजिडेंट पर्सन को रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे करते हैं और पूरे मंथ का और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस कब काटना है, जब लास्ट मंथ का जो रेंट है ये लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है जो भी केस रहे करके, ठीक है लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, उसका रेंट जब भी आप क्रेडिट पे करते हो विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट है उससे आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे भी जो टीडीएस काटते हो उसके लिए आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, इसमें भी अगले महीने की जो तुम्हारा अगला महीना आएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर 26QC करके एक फॉर्म होता है उसके साथ में आपको जमा करवाना है, जैसा QB होता है जैसा आपने 194IA में देखा था वैसा का वैसा। नेक्स्ट सेक्शन होती है दैट इज द 194IC। 194IC क्या बोलती है आपको पता है, कैपिटल गेन में अपन एक सेक्शन पढ़ा था दैट इज 45(5) जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला। और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में बिल्डर अगर आपको कोई मनी देता है फ्लैट के साथ साथ मनी भी देता है तो वो मनी पे 10% की रेट से टीडीएस काट लेगा। जो मनी कंपोनेंट रहेगा वो मनी कंपोनेंट पे 10% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस काट लेगा। अब एक और चीज समझना, इस साल एक और सेक्शन, ये पहले 194J पढ़ते हैं, 194J पहले से है, 194J करके एक सेक्शन है और 194J का मतलब होता है जानी दुश्मन। जानी दुश्मन आपके लिए कौन होता है, आपका बॉस, जा आर्टिकलशिप आपने की प्रोफेशनल वो आपके लिए जानी दुश्मन है। तो जानी दुश्मन के केस में अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ 4-5 पेमेंट है जिस पे टीडीएस कटेगा। 194J वो एक तो प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, रॉयल्टी है, नॉन कंपीट फीस और डायरेक्टर फीस। क्या बोला, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, नॉन कंपीट फीस, डायरेक्टर फीस एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं वापस से प्रोफेशनल फीस, दूसरा तुम्हारा क्या बोला मैंने, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, नॉन कम्पीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। यस, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, डायरेक्टर फीस, नॉन कम्पीट फीस एंड तुम्हारा रॉयल्टी, ये वाले जो पेमेंट है उस पे टीडीएस 194J में कटेगा। अब इसमें एक चीज समझना, पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ है वो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को भी मतलब प्रोफेशनल फीस वगैरह देता है या टेक्निकल फीस देता है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रेसिट 50 लाख से ज्यादा था, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, पेयर एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस देता है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रेसिट 50 लाख से ज्यादा था तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को ये पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना है, टीडीएस की रेट है वो 10% रहेगी। अब एक और चीज समझना, आपको टीडीएस तभी काटना है जब आप पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल फीस का, टेक्निकल फीस का, रॉयल्टी का, नॉन कंपीट फीस का। अगर ये पेमेंट कर रहे हो जिस पर्सन को वो 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। और एक और चीज समझना, ये जो लिमिट है ना ये 30,000 की अलग अलग लगेगी, मीन्स लिमिट इज एप्लीकेबल सेपरेटली ऑन ईच एंड एवरी पेमेंट। इसका मतलब कि प्रोफेशनल फीस पे 30 अलग, टेक्निकल फीस का 30 अलग, रॉयल्टी का 30 अलग, नॉन कम्पीट फीस का 30 अलग और डायरेक्टर फीस पे तो लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर को तो आपने अगर 10 रुपीज का फीस दिया तो भी उस पर आपको 1 रुपीज की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, 1 रुपीज है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये लिमिट अलग अलग लगेगी, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल प्रोवाइज ने मुझे इस साल में 25,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया एंड 28,000 का रॉयल्टी पे किया तो क्या मेरा टीडीएस कटेगा, आंसर इज नो। मतलब मेरे को पे कर रहे हैं 25 एंड 28 तो भी बेटा इंडिविजुअल प्रोफेशनल फीस 30 से ज्यादा नहीं है और तुम्हारा रॉयल्टी है वो भी 30 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो पेमेंट आप कॉल सेंटर को कर रहे हो तो यहां पे टीडीएस का रेट है वो 10% की जगह 2% हो जाएगा। अगर आप पेमेंट है वो किसी कॉल सेंटर को कर रहे हो तो यहां पे 10% की रेट से 2% है वो टीडीएस का रेट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, क्या बोला, पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है उन्होंने क्या किया, पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस लिया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो इंडिविजुअल एचयूएफ ने बिजनेस पर्पस के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 ज्यादा है तो इस बार टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, वो किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं टीडीएस कटेगा, टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को रॉयल्टी पे करते हैं, नॉन कंपीट फीस पे करते हैं, डायरेक्टर फीस पे करते हैं, अब डायरेक्टर फीस तो आएगा नहीं नॉर्मली, बट अगर मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ है वो रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस पे करते हैं किसी को, इवन लास्ट ईयर में इंडिविजुअल एचयूएफ का ऑडिट हुआ था तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड ये सेक्शन ये बोलती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस पे करते हैं और
उसका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ इंडिविजुअल एचयूएफ का तो टीडीएस काटना, अदरवाइज टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 LA। अब 194 LA क्या बोलती है, आपकी प्रॉपर्टी ले गए करके, ठीक है, तो दैट इज अ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। भाई रूरल एग्रीकल्चर लैंड को वगैरह छोड़ के, क्योंकि उसको जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। पेयर इज एनी पर्सन, पे इज द रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगी 10% की रेट से, लेकिन आपका टीडीएस तभी काटना है। रेट रहेगी 10% की रेट से, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है वो कंसिडरेशन 2,50,000 रुपया से ज्यादा है, मींस अप टू 250 है, नो टीडीएस, बट 2,50,000 से ज्यादा का आपका कंपनसेशन है तो इसमें टीडीएस है, वो टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन होती है 194 LB। ये बोलती है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, वो क्या करते हैं बहुत बार फॉरेन फंडिंग जुटाते हैं, मींस बाहर से अगर उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिया और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे तो 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। और मैं बताऊं नॉन रेजिडेंट के लिए वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल 5% की रेट से होता है अंडर सेक्शन 115A, तो यहां पे टीडीएस है वो 5% की रेट से काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन आई है 194M, और ये 194M जो है ये नई सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या बोलती है, पता है क्या, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो, किसी को कमीशन का पेमेंट करते हो, ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो या प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट करते हो, तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो, किसी को कमीशन ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो या प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो, तो आपको यहां पे टीडीएस 194M में काटना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यहां कॉन्ट्रैक्ट तो 194C में पढ़ा लिया, प्रोफेशनल फीस आपने 194J में पढ़ा लिया और तुम्हारा कमीशन ब्रोकरेज 194H में पढ़ा लिया, तो फिर यहां पे क्या है, यहां पे क्या है पता है, लेकिन वहां पे पता है इंडिविजुअल एचयूएफ को कहीं कहीं एक्सेप्ट कर रखा था, कहां पे, जैसे मैं समझाता हूं, इधर देखो 194C, 194J और 194 तुम्हारा क्या बोलते हैं, 194C, 194J, 194H, उन तीनों में इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को पेमेंट करता था, कॉन्ट्रैक्टर को या कमीशन ब्रोकरेज का या फिर तुम्हारा प्रोफेशनल फीस, तो टीडीएस तभी काटना था जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था। ये एंड एक और चीज समझना, वहां कॉन्ट्रैक्ट के केस में और प्रोफेशनल फीस के केस में तो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस लेता है तो टीडीएस ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उन सबको पकड़ने के लिए एक नई सेक्शन डाल दी और बोला कि आज अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को इंडिविजुअल एचयूएफ है वो किसी भी पर्सन को पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोफेशनल फीस का या कमीशन एंड ब्रोकरेज का, और पूरे साल का मिला के उस पर्सन को जो पेमेंट किया वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, मीन्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैं यहां पे बोलूंगा, यहां कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फीस आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फीस कमीशन ब्रोकरेज, चार चीजें आएगी। अब एक बात समझना, पेयर कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो उन सेक्शंस में कवर नहीं हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ, पे ही कौन होना चाहिए, कोई भी रेजिडेंट पर्सन, रेट क्या रहेगी 5%, और टीडीएस तभी काटता है जब पूरे साल का मिला के किसी पर्सन को जो आप कर रहे हो पेमेंट या क्रेडिट वो 50 लाख से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक राजू करके कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मैंने क्या किया, 30,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया, उसी को मैंने 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया और उसी को मान लो 10,000 का मैंने कमीशन पे किया, पूरे साल का मिला के कितना, 50 से ज्यादा हो गया, आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस कट जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपकी 1 सितंबर एंड 2019 के बाद आई है, तो उसके पहले वाला जो है वो पहले नहीं थी, इसके बाद पर्टिकुलर बाद में आई है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना आप लोग, एक सेक्शन है 194N करके, और ये सेक्शन भी नहीं है, और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हो और पूरे साल में मिला के अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, कैश विड्रॉल इज मोर देन 1 करोड़ इन द ईयर, तो उस केस में आपका टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा 2% की रेट से। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, 194N, और 194N ये बोलता है दैट इज द कैश विड्रॉल मोर देन 1 करोड़, कैश विड्रॉल मोर देन 1 करोड़, तो अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हो और पूरे साल का मिला के कैश विड्रॉल है 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस काटेगा 2% की रेट से। लेकिन इसमें एक चीज समझना, ये पहली सेक्शन है जिसमें टीडीएस है ना वो पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर वाले कैश विड्रॉल पे कटेगा। जैसे आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो, मान लो 1 करोड़ का, टीडीएस पूरे 1 करोड़ पे कटेगा। लेकिन यहां पे कैसे है कि अगर मान लो आपने कैश विड्रॉ 1 करोड़ 20 लाख किया तो 20 लाख पे टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ पे नहीं कटेगा। मीन इन एक्सेस ऑफ द 1 करोड़ है उस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा। 2% की रेट से टीडीएस है वो 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो कैश विड्रॉल है वो गवर्नमेंट करती है या कोई बैंक करती है, कोऑपरेटिव बैंक करती है, पोस्ट ऑफिस करती है, या फिर ऐसी कंपनी जो क्या बोलते हैं एटीएम चलाती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनकी बैंक नहीं है बट दे ऑपरेट द एटीएम, जैसे टाटा का एक एटीएम चलता है, तो क्वेश्चन ये आता है ये लोग अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज एक एक्सेप्शन आरबीआई ने और डाला कि जो भी मनी चेंजर है, वो मनी चेंजर भी अगर मान लो मनी चेंजर है, वो मनी चेंजर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो देखो बेटा ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर मान लो बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हो पूरे
पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा, पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा कैश विदड्रॉ करते हो तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ पे आपका 2% की रेट से टीडीएस है, वो 2% की रेट से टीडीएस है वो आपका कट जाएगा। अब एक और चीज समझता, यहां पे बैंक ने विदड्रॉ किया, गवर्नमेंट ने विदड्रॉ किया, पोस्ट ऑफिस ने विदड्रॉ किया, या कोई भी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है उसने विदड्रॉ किया, तो उसमें ये सेक्शन नहीं लगेगी। और कोई आरबीआई ने नोटिफाई किया और आरबीआई ने मनी चेंजर को नोटिफाई किया, आरटीपी में एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि जो मनी चेंजर को नोटिफाई किया तो उस केस में क्या होगा कि मनी चेंजर वगैरह ने विदड्रॉ किया तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्लेरिफिकेशन है, क्वेश्चन ये आता है ये 1 करोड़ का लिमिट देखते टाइम सर ये सेक्शन 1 सितंबर 2019 से आया तो उसके पहले जो कैश विदड्रॉ हो गया क्या उस पे भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। इन्होंने बोला 1 सितंबर 2019 के बाद जो कैश विदड्रॉ होगा, 1 सितंबर 2019 या उसके बाद में कैश विदड्रॉ होगा सिर्फ उस पे टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो लिमिट 1 करोड़ की देखते टाइम जो पहले कैश विदड्रॉ हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। लिमिट 1 करोड़ की देखते टाइम व्हाटएवर कैश विदड्रॉ बिफोर 1 सितंबर 2019 दैट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, बट व्हाटएवर कैश विदड्रॉ ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019 सिर्फ उसी पे टीडीएस कटेगा, उसके पहले वाले पे टीडीएस है वो आपका नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना यहां पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया अप्रैल में मान लो 2 करोड़ का कैश विदड्रॉ किया था, टीडीएस कटेगा उस पे? आंसर इज नो। मैंने क्या किया अब दिसंबर में, मान लो इन दिसंबर 2019 मैंने सपोज 1 लाख का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, बिकॉज 1 लाख प्लस 2 करोड़ 2.1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो पहले वाले पे तो नहीं कटेगा, बट भैया अभी जो 1 लाख का विड्रॉ किया उस पर टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 1 सितंबर से पहले कैश विड्रॉ किया उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद कैश विड्रॉ किया उस पर टीडीएस कटेगा, बट 1 करोड़ की लिमिट देखते टाइम टोटल पूरे साल का कैश विड्रॉल है वो अपन देखेंगे। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 195 ये बोलती है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस 195 में कटता है, पेयर एनी पर्सन पे ही है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, और रेट क्या रहती है जो भी DTAA का रेट है या फिर इनकम टैक्स एक्ट का रेट, व्हिच एवर इज मोर बेनिफिशियल रहता है उस पे आप टीडीएस काट लेते हो। अब एक चीज समझना, इसमें बहुत सारी सेक्शन जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो कुछ तो स्पेसिफिक सेक्शन में कवर हो जाता है, जैसे 192 में, जैसे अपन ने देखा 192 में, तो 192 में सैलरी का पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करो तो भी कवर हो जाता है, 194B और BB में करके ठीक है, 194G में एक, 194 तुम्हारा क्या बोलते हैं उसमें E में एक, तुम्हारा 194LBA में एक, 194LBB में, तो ऐसी बहुत सारी स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी कवर हो जाती है, अगर वहां पे कवर नहीं होती है तो 195 में TDS है वो TDS काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारा जो टीडीएस काटते हैं सर, अगर किसी मान लो सर्विस का अमाउंट प्रोफेशनल फीस का 1 लाख का बिल है उसमें 18% जीएसटी है, 1,18,000 हुआ, टीडीएस किस पे कटेगा? 1 लाख पे या 1,18,000 पे? राइट आंसर इज ओनली 1 लाख पे। जो भी जीएसटी कंपोनेंट है सर्विस वाला, मैं वापस बोल रहा हूं, सर्विस का जीएसटी कंपोनेंट है उस पर टीडीएस नहीं काटना, जो भी सर्विस का जीएसटी कंपोनेंट है उस पर टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज समझना, अगर आप पेमेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हो तो उनका भी टीडीएस नहीं कटता। मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हो तो उनका टीडीएस नहीं कटता, क्योंकि उनकी इनकम ऐसे भी एग्जेम्प्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, म्यूचुअल फंड है, उनकी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो उनको पेमेंट करोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारा मान लो लॉस है, बहुत ह्यूज लॉसेस है, तुम्हारा ह्यूज लॉसेस है या फिर मान लो तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं, बट इस साल आपको जो पेमेंट मिल रहा है उस पे तो टीडीएस कटेगा, तो एक सेक्शन 197 होती है कि इसमें आप एओ को एप्लीकेशन कर सकते हो और एओ से आप लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर आप लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेके आप जो आपका पेयर है उसको दे दो तो पेयर क्या करेगा, टीडीएस नहीं काटेगा या टीडीएस कम रेट से काटेगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 197A ये बोलती है कि अगर मान लो आपको जो इनकम हो रही है वो या तो सेक्शन 192A नेचर की है, 192A इज अ या फिर 193 दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, या 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194DA दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, एंड 194I दैट इज द रेंट। मैंने क्या बोला, आपको इनकम होती है वो पांच नेचर की होती है, 192A दैट इज ईपीएफ का, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, एंड 194I दैट इज द रेंट। अगर मान लो आपको ये इनकम होती है और आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो उस केस में आप जो आपको पे कर रहा है ना ये इनकम, जैसे बैंक वगैरह इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक को आप 15G 15H सबमिट कर सकते हो। 15G कौन देगा? नॉर्मल पर्सन, और 15H कौन देगा? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन है वो 15H देगा, नॉर्मल वाला 15G देगा, तो उस केस में बैंक जो है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगी। वी कैन टेक वन एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हुआ क्या, आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करना, हुआ क्या कि मान लो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का बैंक में एक अकाउंट है,
और बैंक अकाउंट पे क्या हुआ, मम्मी को मान लो 150,000 का इंटरेस्ट मिला, तो 150,000 का इंटरेस्ट मिला जो मम्मी का एनटीआई भी 150 हुआ और कुछ भी इनकम इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, 150 का एनटीए। अब मम्मी को टैक्स भरना तो आएगा नहीं, लेकिन वो 150 का इंटरेस्ट पे किया एफडी पे, दैट इज मोर देन 40,000, तो बैंक तो टीडीएस काटेगी। तो उस केस में मम्मी अगर 15G दे देती है तो उस केस में मम्मी का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अगर जो आपको इनकम मिल रहा है वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, जो इनकम मिल रहा है वो इनकम ही बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है बट एनटीआई बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो आप ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरी मम्मी को मान लो 3 लाख का इंटरेस्ट मिला, मेरी मम्मी को 3 लाख का इंटरेस्ट मिला करके, ठीक है, और 3 लाख का इंटरेस्ट मिला बैंक से, और मम्मी का एटीसी का डिडक्शन लेने के बाद एनटीआई आ गया 2 लाख, तो मम्मी को टैक्स भरने की तो जरूरत नहीं, मम्मी की इनकम तो एनटीआई से कम है, बट वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। क्या मम्मी 15G दे सकती है? आंसर इज नो, यहां पे 15G मम्मी नहीं दे सकती और बैंक 15G है वो एडमिट नहीं करेगी। लेकिन एक चीज समझना, यहां सीनियर सिटीजन होता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल लेता हूं, मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन है, उनका इनकम 4 लाख है, इंटरेस्ट इटसेल्फ इज 4 लाख, इंटरेस्ट इटसेल्फ इज 4 लाख, बट जो एनटीआई आते आते वो 3 लाख से कम है, तो उस केस में अगर सीनियर सिटीजन 15H देता है तो 15H कंसिडर किया जाएगा, बट अगर 15G दिया जाता है तो यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस की आपकी ड्यू डेट क्या रहती है, अगले महीने की सात तारीख को आपको टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, लेकिन जो आपका मार्च में टीडीएस काटते हो वो 30 अप्रैल तक आपको जमा करवाना पड़ता है। लेकिन एक चीज समझना, जो 3 सेक्शन है, एक तो तुम्हारा 194 IA, दैट इज वो इमोवेबल प्रॉपर्टी, 194 IB इंडिविजुअल एच ऑफ रेंट 50,000 से ज्यादा, एंड 194 M का मतलब वो इस बार अपन ने देखा ना 50 लाख से ज्यादा वाला, जो 50 लाख से ज्यादा अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का कमीशन ब्रोकरेज वो सब मिला के पेमेंट करते हो वो 50 लाख से ज्यादा। ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं और आपको टीडीएस अगले महीने की 30 डेज के अंदर अंदर आपको जमा करवाना पड़ेगा। टीडीएस के रिटर्न आपको फाइल कब करने पड़ते हैं? क्वार्टरली रिटर्न होते हैं और आपको हर क्वार्टर के एंड से 31 अगले महीने तक आपको फाइल करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर है वो 30 जून को कंप्लीट होता है, 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सेकंड क्वार्टर 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर का 31 जैन, और फोर्थ क्वार्टर मार्च में एंड होता है, बट 30 अप्रैल तक नहीं, 31 मई तक, क्योंकि मार्च का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक जमा करवाओगे तो वहां का रिटर्न है वो आपको 31 मई तक जमा करवाना है। अब एक और चीज समझना, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हो टीडीएस के, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। 200A करके सेक्शन होती है, 200A में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में अगर कोई अरिथमेटिक एरर है, इनकरेक्ट क्लेम है, तो उसको सुधार दिया जाता है और उसके बाद आपको इंटीमेशन जनरेट करके भेज दी जाती है। अब एक चीज समझना, आपकी इंटीमेशन में जो भी डिमांड रिफंड है वो आपको मिल जाता है। और एक और चीज समझना, यहां पे इंटीमेशन आपको कब तक मिलेगी, वही 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, तो जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर। अब एक और चीज समझना, 201 सेक्शन बोलती है कि अगर आपको टीडीएस काटना था लेकिन आपने किसी का टीडीएस काटा नहीं, या फिर काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा या काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो उस केस में आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे, और जब आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको सेक्शन 220 का इंटरेस्ट और 221 का पेनल्टी है वो लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे वोडाफोन के केस में हुआ था। तो भैया यहां पर आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और आपको इंटरेस्ट पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने किसी को पेमेंट किया, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों को अगर आपने किसी को पेमेंट किया लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, बट आगे वाले पर्सन ने उसको इनकम में कंसिडर कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो भी भर दिया, इनकम में कंसिडर कर दिया, टैक्स आता था वो भी भर दिया, इनकम में कंसिडर कर दिया, टैक्स आता था वो भी भर दिया उसने करके, ठीक है, एंड भैया उसने टैक्स भर दिया तो रिटर्न फाइल कर दिया, और भैया आप एक सीए का सर्टिफिकेट ला के दे सकते हो, आई थिंक फॉर्म नंबर 26A होता है, अगर वो आप एक सीए का सर्टिफिकेट ला देते तो उस केस में आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, डोंट वरी। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 2011A ये बोलती है कि अगर मान लो आप टीडीएस है वो लेट काटते हो या लेट जमा करवाते हो, टीडीएस कब काटना पड़ता है, पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर आपने टीडीएस लेट काटा तो जितना टीडीएस लेट काटा उस पे आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर आपने लेट जमा करवाया, जैसे अगले महीने की 7 को जमा करवाना था, अगर आपने 7 को जमा नहीं करवाया, उसके बाद कभी भी जमा करवाया, तो उसके केस में क्या होगा, 1.5% की रेट से आपको इंटरेस्ट है वो लगेगा उस अमाउंट पे, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो देखो लेट काटा, लेट डिडक्शन पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, लेट डिपॉजिट पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन एक चीज समझना है, आप पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने लेट डिडक्शन किया तो उस केस में जिस दिन डिडक्ट करना था उस दिन से लेके जिस दिन डिडक्ट किया उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। क्या बोला, जिस दिन डिडक्ट करना था उस दिन से लेके जिस दिन डिडक्ट किया उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर आपने लेट डिपॉजिट करवाया तो जिस दिन आपने डिडक्ट किया उस दिन से लेके और जिस दिन आपने डिपॉजिट करवाया उस दिन
दिन तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, 234E ये बोलती है कि भैया आपको TDS के रिटर्न वो टाइम पे जमा करवाने पड़ते हैं, अगर आपने TDS रिटर्न लेट फाइल किए तो उसमें 200 रुपीज पर डे का फीस लगेगा, जितने दिन का आपका लेट रिटर्न है उसमें आपको 200 रुपीज का फीस है वो लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अ TCS, TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन, ये जो टॉपिक है 206C करके सेक्शन होती है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई आप स्पेसिफिक गुड्स परचेज करते हो, आप परचेज कर रहे हो, आगे वाला सेल कर रहा है, तो जो सेलर है वो आपसे कंसिडरेशन तो लेगा ही लेगा, बट उसके साथ साथ में आपसे आपका टैक्स का अमाउंट भी ले लेगा। दैट इज कॉल्ड TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जैसे वी कैन टेक वन एग्जांपल, एक अल्कोहलिक लीकर सेल करती है कंपनी यूबी ग्रुप करके, यूबी ग्रुप जो है विजय माल्या वाला ग्रुप था, वो यूबी ग्रुप क्या करती है, मान लो किंग फिशर है, वो अल्कोहलिक लीकर सेल करती है किसी को, और उसने क्या किया, एक लाइक रवीना वाइंस करके मान लो शॉप का नाम है। अब रवीना वाइंस ने वहां यूबी ग्रुप से क्या किया, दारू खरीदा, तो दारू खरीदा तो रवीना ग्रुप अपना पेमेंट तो करेगा करेगा, साथ साथ में अपना TCS भी 1% की रेट से पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सेलर है वो बायर से क्या करता है, उसका टैक्स भी कलेक्ट करता है। दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड TCS। अब एक बात समझना, टैक्स कब कलेक्ट करना पड़ता है, वही डेबिटिंग द पार्टी और रिसीविंग द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। जैसे वहां पे था क्रेडिटिंग और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, यहां डेबिटिंग द पार्टी और रिसीविंग द अमाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर है, आपको टैक्स का पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, TCS है वो TCS आपको कट करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जो TCS रहता है वो TCS का रेट क्या रहता है, तो मैं बता दूं TCS है वो हर परचेज सेल पे नहीं होता, किसी किसी पे लगता है। सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उस पे TCS का रेट रहेगा 1%। उसके बाद जो तेंदू लीव्स होती है, तेंदू लीव्स मतलब बीड़ी पत्ता करके, उस पे 5%। उसके बाद में जो टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस पे 2.5%। स्क्रैप जो होता है उस पे 1%। मिनरल्स जैसे कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर होता है उस पे 1%। एंड तुम्हारा मोटर व्हीकल होता है, मोटर व्हीकल पे 1% की रेट से TCS कटेगा। तो आपको अगर ऐसे याद रखना है TCS है वो कलेक्ट कहां कहां पे होगा, तो आप ऐसे याद रखो, तेंदू लीव्स है उस पे 5% की रेट से, तेंदू लीव्स पे 5%, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे 2.5%, अदर सब जगह है वो 1% है, वो 1% रहेगा। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल है, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, एंड मोटर व्हीकल है उस पे 1%। अब एक और चीज समझना, मोटर व्हीकल के केस में TCS तभी आएगा जब उस मोटर व्हीकल का कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है। अगर वो अप टू 10 लाख है या उससे कम है तो उस केस में TCS नहीं आएगा, अगर 10 लाख से ज्यादा है तो TCS आएगा। तो मोटर व्हीकल के केस में अगर मान लो आपका जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है तो TCS आएगा, अदरवाइज TCS है वो नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो ये सेल कर, ये बायर जो है, बायर अगर अपनी एम्बेसीज है, गवर्नमेंट वगैरह है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाई कमीशन है या इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 है, अगर वो बायर है तो उस केस में TCS नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, TCS है ना वो TCS लीज एंड लाइसेंस पे भी कटता है। लीज एंड लाइसेंस का मतलब, अगर मान लो कोई भी पार्किंग लॉट है, टोल प्लाजा है या माइंस या क्वेरी है, वो अगर मान लो किसी को लीज पे दिया जाता है तो लीज पे भी 2% की रेट से TCS आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मुंबई में एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ग्रुप का एक मॉल है, इन्फिनिटी में एक पार्किंग है, और वो पार्किंग मान लो राजा राम को उन्होंने क्या कर दी, लीज पे दे दी। इन्फिनिटी ने पार्किंग है वो राजा राम को लीज पे दी, राजा राम एवरी मंथ 5 लाख का लीज रेंट दे रहा है, तो 5 लाख का रेंट दे रहा है। अब एक चीज समझना, राजा राम 5 लाख का रेंट दे रहा है किसको, इन्फिनिटी मॉल वालों को, और राजा राम सबसे 20-20 रुपए, 25-25 रुपए गाड़ी का कलेक्ट करता है, 20 रुपीज 10 रुपीज एंड डिपेंड्स ऑन मोटर व्हीकल, साइकिल एंड गाड़ी, उनसे कलेक्ट करता है, और एवरी मंथ 5 लाख है वो किसको पे कर रहा है पता है, इन्फिनिटी मॉल वालों को। तो एक चीज समझना, यहां राजा राम जो है वो, राजा राम जो है वो अपना TCS भी देगा, मींस इन्फिनिटी मॉल वाले क्या करेंगे, 2% है वो TCS भी कलेक्ट करेंगे। इन्फिनिटी मॉल वाले है वो 2% है वो TCS भी कलेक्ट करेंगे। राजा राम TDS काटेगा 194i में करके, ठीक है, और बेटा राजा राम तो TDS काटेगा इन्फिनिटी मॉल का, और इन्फिनिटी मॉल वाले क्या करेंगे, 2% की रेट से TCS है वो TCS भी कलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखो TCS कहां कहां लगता है। सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, तेंदू लीव से उस पे 5%, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2.5%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर उस पे 1%, मोटर व्हीकल पे 1%, लीज एंड लाइसेंस ऑफ द पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइंस है उस पे 2% की रेट से TCS है वो कट जाएगा, लेकिन इसमें मिनरल ऑयल्स की माइंस है वो इंक्लूड नहीं होगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो TCS नहीं आएगा। जैसे मान लो आप दारू की दुकान पे जाते हो और दारू खरीदते हो, बोलते हो एक बोतल दो मुझे करके, ठीक है, और उस बोतल का मान लो 1000 रुपीज आप पे करते हो, तो क्या 1000 के साथ साथ आपको अपना 1% 10 रुपीज TCS भी देना पड़ेगा? आंसर इज नो, नहीं देना। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो TCS नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही खरीदते हो तो ही TCS लगेगा। मतलब होलसेल में अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो बेचने के लिए तो
टीसीएस नहीं आएगा, बट ये बाकी आइटम है ये होलसेल के लिए खरीदते हो तो टीसीएस लगेगा। मोटर व्हीकल में पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदोगे तो आपको टीसीएस है वो टीसीएस लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो गुड्स आप खरीदते हो और मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और अगर आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि ये प्रोडक्ट आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हो, दूसरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप ये यूज करने वाले हो तो उस केस में टीसीएस नहीं आएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि रेनबैक्सी ने क्या किया कि कुछ अल्कोहलिक लीकर खरीदा और वो लीकर है वो मेडिसिन में यूज होने वाला है, अल्कोहलिक लीकर खरीदा और वो मेडिसिन में यूज होने वाला है तो उस केस में उस पर टीसीएस है वो टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, जैसे टीडीएस में पेन नंबर नहीं देते हैं तो अपन टीडीएस कौन सी रेट से कट जाता है 20% और रेट व्हिचएवर इज हायर, लेकिन यहां पे टीसीएस में क्या होता है अगर आप पेन नंबर नहीं देते हो आपका टीसीएस कौन सी रेट से कलेक्ट होगा बताए 5% और डबल द रेट व्हिचएवर इज हायर, 5% और डबल द रेट व्हिचएवर इज हायर। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल अल्कोहलिक लीकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन था, उसमें टीसीएस में पेन नंबर मान लो नहीं दिया, जो भी बायर है वो बायर ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा 5% और 2% व्हिचएवर इज हायर इज 5%। अब मान लो तेंदू लीव्स है और तेंदू लीव्स में बायर ने अगर अपना पेन नंबर नहीं दिया तो 5% डबल इज 10% और 5% व्हिचएवर इज हायर कम्स टू 10%। अब एक और चीज समझना, जो मोटर व्हीकल होता है वो मोटर व्हीकल के केस में भी टीसीएस आता है, लेकिन एक चीज समझना मोटर व्हीकल के केस में क्वेश्चन ये आता है सिर्फ क्या लग्जरी गाड़ियों पे ही टीसीएस आएगा, आंसर इज नो। आपका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, अगर मान लो ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, और एक चीज समझना यार 10 लाख की लिमिट में क्या क्या आएगा, तुम्हारा जो भी एक्स शोरूम प्राइस होता है ऑन रोड नहीं, क्योंकि ऑन रोड में क्या क्या जुड़ जाता है, जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं आरटीओ का खर्चा इंश्योरेंस का खर्चा है वो सब जुड़ जाता है, तो आरटीओ इंश्योरेंस खर्चा लेने से पहले जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस रहेगा वो एक्स शोरूम प्राइस जो है वो अगर मान लो 10 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपका टीसीएस है वो टीसीएस 1% की रेट से आएगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है मोटर व्हीकल के केस में क्या पूरी साल की सेल 10 लाख देखेंगे या ईच ट्रांजैक्शन, राइट आंसर इज ईच ट्रांजैक्शन, मींस हर ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो आज मैंने एक 8 लाख में कार खरीदी कहीं से, मैंने 15 दिन बाद वापस एक 8 लाख की कार खरीदी तो टीसीएस नहीं आएगा, बिकॉज ईच ट्रांजैक्शन वो 10 लाख से ज्यादा का नहीं है। अगर एक ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा का है तो ही टीसीएस कटेगा, अदरवाइज टीसीएस है वो टीसीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां सेलर कौन होना चाहिए, कोई भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। मोटर व्हीकल में क्या सेकंड हैंड में भी टीसीएस आएगा, आंसर इज यस, भले सेकंड हैंड है या न्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे टीसीएस है वो टीसीएस आएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां पे अगर सेलर है उसको टीसीएस कब कलेक्ट करना है, अगर नॉर्मली हर किसी को करना है बट इंडिविजुअल एचओएफ को टीसीएस तभी कलेक्ट करना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीसीएस कलेक्ट करना है। यस पीपल, तो यहां पे आपके 12 रिविजन लेक्चर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो इस बार के जो रिविजन लेक्चर थे वो यहीं पे एंड कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट रिविजन लेक्चर जो आपको मैंने टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड दिया। जो 6C के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे ब्लैक मनी वाला है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, तो उसके लिए मैं रिविजन लेक्चर अपलोड करने वाला हूं सिर्फ 6C वालों के लिए। तो जिनका 6C है उसमें एनआर और तुम्हारे जो क्या बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, ये तो सब इसके साथ साथ हो गया। जो आप देखोगे 10th या 11th लेक्चर वो उसमें आपको मिल जाएगा 9th-10th लेक्चर में मोस्टली, बट ये जो बाकी वाले जो 6C के पेपर वाले जो है रिविजन लेक्चर वो मैं आपको YouTube पे देने वाला हूं, आपको YouTube पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, 12th लेक्चर तक आप लोगों के साथ में साथ रहा आप लोगों का रिविजन लेक्चर में करके, ठीक है। कभी मैंने नहीं बोला आपको कि रिविजन लेक्चर आप देख रहे हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो या फिर लाइक कर लो या क्या बोलते हैं शेयर करो, ऐसा मैं नहीं बोला, ऑब्वियसली आप लोगों ने किया और आपकी वजह से ही आज मैं यहां पे हूं करके, ठीक है। सो पहली चीज तो अब आज बोल रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक कर लो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जितने भी सीए फाइनल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ये शेयर करो, इंटर वालों के साथ में भी शेयर करो क्योंकि टीडीएस टॉपिक है वो इंटर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है एज इट इज जैसा आपके लिए है। और एक और चीज बता दूं, अभी देखो हर बार बोलता हूं आज वापस बोल रहा हूं कि अभी बहुत कम टाइम है, गिव 100% टू योर स्टडी, सिर्फ स्टडी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब अपन कोई डिसीजन लेते हैं जैसे आप स्टडी हो नहीं पा रही है 2-3 दिन से वगैरह वगैरह, तो आप अपने आप से पूछो कि सबसे पहली चीज आप कौन हो। जब भी आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है कैसे करना है, तो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि सबसे पहली चीज आप कौन हो, दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, और तीसरी चीज क्या ये करना आपके लिए सही है क्या। अगर ये 3ों का आंसर आपको सही मिल जाता है, सबसे पहले आप कौन हो मींस आपका बैकग्राउंड, आपका पेरेंट्स का बैकग्राउंड, आप लोग कहाँ पे हो कैसे हो, आपका पास्ट क्या रहा है, दैट इज आप कौन हो। दूसरी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कर रहे हो टाइम वेस्ट वगैरह, ठीक है, अगर मान लो 2-3 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब कर रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप पे बैठे हो तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। और तीसरा आप अपने आप से ये पूछो क्या ये करना आपके लिए सही है क्या, अगर उसका आंसर यस आता है तो आप उसको किया करो, अदरवाइज उसको मत करना। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो 3 चीजें पूछने का, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो और क्या आपको ये करना सही है क्या, ये 3 चीजें और आपको अपने आप से पूछने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अपना का अपना ध्यान रखो,
अपनों का भी ध्यान रखो और सबसे ज्यादा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, बिकॉज पढ़ाई रही तो आई थिंक मतलब सब चीजें हो जाएगी। इस दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मेरे को लगता है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना, 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है। इस दुनिया में सबको एजुकेट बना दो, सब लोगों को पढ़ाई करा दो, सब लोग अच्छे लेवल पे चले जाए। और दूसरा जो मेरे को ऐसा लगता है कि रिलीजन नहीं होना चाहिए करके, ठीक है वो मेरी मतलब थॉट है, हो सकता है आपकी थॉट अलग हो। रिलीजन और सबको एजुकेट करा दो, रिलीजन मान लो नहीं है और सब एजुकेट हो जाए, सब अच्छे पढ़े लिखे हो जाए, इस दुनिया की 50% प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो गैया सीधी सी बात है, सीए बनना है और हम हिंदी में बोलते हैं कड़ी मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है करके, ठीक है कोई भी उसका जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, कड़ी मेहनत का जो है वो उसका, कड़ी मेहनत मतलब हार्डवर्क है, उस हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में क्या हुआ था, कितने अटेम्प्ट में पास हुए थे, कितने मार्क्स आए थे, फाइनल में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यही वाला एग्जाम है जो अभी आ रहा है, जो एग्जाम आपके आंखों के सामने दिख रहा है। मैं बता दूं 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड होना चाहिए, दैट इज द सीए। एक ही चीज चलनी चाहिए सीए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई। और उसमें ऐसा एकदम लुप्त हो जाओ ना कि दुनिया में सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए पढ़ाई है। जैसे ही पास हो जाओगे उसके बाद ऑब्वियसली मैं बता दूं लाइफ बहुत अच्छी है। तो सच बता रहा हूँ, मुझे ये रिविजन लेक्चर अपलोड करके, आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ रह के, मैं हमेशा स्टूडियो में अकेला ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं रहता, बट तो भी जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, मैं जब आप लोगों का रिएक्शन देता हूँ देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कॉल जब मैं अटेंड कर पाता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हमको सर बहुत हेल्प होता है रिविजन लेक्चर से, हम बहुत इधर उधर घूमने खाना बनाते टाइम। अभी मैं चेन्नई गया था एक लेक्चर के लिए, तो एक लड़की सीए बनी, तो वो आई और वो बोलती सर मैं रिवीजन लेक्चर जब खाना बनाना पड़ता था मुझे, तो वो लेक्चर चालू कर लेती थी और मैं खाना बना रही हूँ तो भी वो सुन रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो भी मैं वह सुन रही हूँ। तो मैं बताऊँ सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे भी कि नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत वास्ट पोर्शन है, उसको एक बार समराइज करना और उसको लाइक आप लोगों को लास्ट डे तक रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साथ साथ में आप सुनो, साथ साथ में क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करो, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं वो आप करो, आरटीपी का जो सेट है वो करो, मॉक टेस्ट पेपर आएगा वो करो करके, ठीक है एंड सिर्फ पढ़ाई करो करके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, मैं सच बताऊं जब हम पढ़ाते हैं ऑब्वियसली हम पूरा ध्यान रखते हैं, बट तो भी आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ गलती हुआ हो, ऐसा लगा हो कि सर इसमें ये ना आना चाहिए था, या मैं बहुत बार क्लेरिफाई कर लेता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, रिविजन लेक्चर में, बट तो भी ऐसा हुआ हो तो थैंक्स अ लॉट, बिकॉज हम लोग भी थैंक्स अ लॉट क्या सॉरी फॉर दैट एंड हम लोग भी क्या है कि इंसान है, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कहीं 10,000 बोलना था उसकी जगह 20,000 या 10 लाख बोल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट थैंक्स अ लॉट पीपल। और मैं बता दूं हम लोग लाइक हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है, पर्टिकुलरली मुझे, जब कोई ना कोई बच्चा पास होता है, मतलब रैंकर से भी ज्यादा मुझे खुशी उन लोगों से होती है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह देखता हूँ जो बोलते हैं हम सर 10 टाइम्स दे चुके थे उसके बाद पास हुए, हमको बहुत खुशी हुई ये वो, ठीक है। देखो रैंक वगैरह भगवान का दिया होता है, मैं ऐसा मानता हूँ जो रैंक आती है ना जिस बच्चे की वो भगवान, उसके पास दिमाग अलग ही, मतलब जब चिप फिट कर रहे थे करके, ठीक है तो उसके अंदर एक अलग ही मेमोरी कार्ड फिट किया हुआ है, तो उसकी रैंक आनी है, हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे उसकी रैंक आ जाएगी, उसमें उसका रोल होता है। बट जो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जितने स्कॉलर नहीं होते हैं और वो पास होते हैं, सच बताओ बहुत खुशी होती है। और मैं बताऊँ तुम पास हो गए तो हम पास हो गए, अगर तुम ही पास नहीं हुए तो हम पास नहीं हुए, ये ध्यान रखना करके, ठीक है। तुम पास हो गए तो मैं पास हुआ, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, आज से अपने लिए और मेरे लिए भी पढ़ाई चालू करो और जोरदार पढ़ाई करो, जोरदार मेहनत करो करके, ठीक है। मतलब कुछ एकदम मोटिवेट होके, एकदम मोटिवेट होके मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे करके, ठीक है फाड़ देंगे, ऐसी वाली मतलब मेहनत करो शानदार वाली, और शानदार वाली मेहनत करके और पास हो जाओ। और जब भी आप पास हो जाओ, जब भी मुंबई आओ, और उस टाइम अगर मैं अवेलेबल हूँ मुझे 10-15 दिन पहले बताना कि आप मुंबई आ रहे हो, और मुंबई आओ तो आप लोग पक्का मिल के जाना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।